தான் பண்றேன். History tells us powerful people come from powerful places. Powerful people make places powerful. Switch. Okay. So, hello everyone. Welcome back to once again to Dinesh Sir Live Study Channel for a Jabardast Marathon Lecture with full revision of the whole syllabus of Mathematics for MHT CET 2021. स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर, आपके ही अपने प्यारे चैनल पर, जहां पर हमने काफी चीजें की है, काफी बार जो एमएसटीसीटी की तैयारी की है, मैराथन कर लिए और अब फाइनली जो है सब कुछ होने के बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री को मौका दिया था मैंने कि सर आप लोग भी कंप्लीट कर लो, एंड सब होने के बाद फिर से मैं आ चुका हूं आपके सामने फॉर्मूला की सीरीज लेके, जो वादा किया था मैंने लास्ट मैराथन में कि मैं वापस आऊंगा, तो यस मैं आ गया हूं। और इतना ही नहीं, मैंने और कहा था कि मैं मॉक टेस्ट सॉल्यूशन दूंगा, तो उसके लिए कल की प्लानिंग है, कल और एक इस तरह का सेशन अरेंज करने वाला हूं, लेकिन देखते हैं कैसे क्या होता है। मॉर्निंग में बायोलॉजी का आपके लिए मैराथन है, इवनिंग में फिजिक्स होने वाला है, तो मैं बीच में आफ्टरनून में कोशिश करूंगा कि आपके सामने आऊं और एक टेस्ट पेपर सॉल्व करके पूरा का पूरा बताऊं, ठीक है। सो आ गए क्या हमारे प्यारे बच्चे, आ गए भाई। सबसे पहले तो इस सेशन को शेयर कर लो, क्योंकि ये नॉन स्टॉप होने वाला है, लगातार होने वाला, लंबा होने वाला है, तो यहां पर मेरी जो एनर्जी बनी रहेगी नंबर ऑफ कंकरेंट व्यूअर्स के ऊपर, जितने ज्यादा बच्चे देखेंगे उतनी ज्यादा मेरी एनर्जी बनेगी, वो मेरे लिए ग्लूकोज का काम करता है, ठीक है। तो आप अगर चाहते हो कि बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा हो और एकदम अच्छे से रिविजन हो जाए, तो प्लीज आप अपने ग्रुप में इस सेशन को जरूर शेयर कर दो, एंड ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे जुड़े, ओके, और सबका फायदा हो भाई। एग्जाम के दिन आ गए, एग्जाम के दिन आ गए, स्ट्रेटेजी तो सभी बताते हैं, पढ़ा के दिखाओ। यस, हम पढ़ाएंगे, हमारी टीम पढ़ा रही है। शुरू करते हैं बच्चों, यस, आज हम सीखेंगे एमएसटीसीटी 2021 के लिए जो पूरे मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज हैं, जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सब करने वाले हैं बेटा, सब करेंगे। और ये होने वाला मैराथन लेक्चर नंबर 8, एक्चुअल में ये 9th लेक्चर है। लाइन एंड प्लेन के लिए हमने एक्सटेंडेड लेक्चर दिया था 4.2, तो देखते हैं क्या होता है, फुल मैथमेटिक्स फॉर्मूला, ओके, रिवीजन वीडियो इसमें होने वाला है। सपने तो बहुत देख के रखे आपने, कुछ बच्चे लूज हो गए कि भाई मैंने तो पढ़ लिया है अब क्या करूं। भाई आखिरी रिवीजन बहुत जरूरी होता है, फाइनल रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुमने साल भर पढ़ाई की है लेकिन लास्ट में तुम ढीले पड़ जाते हो तो भाई लॉस हो जाएगा, ठीक है। पर अगर आपने साल भर पढ़ा नहीं था, कुछ ही महीने पहले आपने, कुछ दिन पहले चालू किया, फाइनली ज्यादा रिवाइज करते हो एग्जाम के कुछ दिन पहले, तो आप बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हो, इस बात को ध्यान में रखो। समझ में आ रहा है? सो क्या क्या करेंगे सर? अरे क्या करेंगे, पहले ही मैंने बता दिया था कि पूरे के पूरे फॉर्मूले, सर 12th का कि 11th का? भाई सबसे पहले 12th के फॉर्मूले जाएंगे, मैथ्स 1 के, फिर मैथ्स 2 के, और उसके बाद 11th के मैथ्स 1 और मैथ्स 2,
आएंगे। तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा, बहुत बहुत क्यों सर, क्योंकि यार जितने भी मैराथन लेक्चर थे पूरे की पूरी सीरीज जो है तुमने ट्रेंडिंग में डाल दी थी बेटा, कि भाई कोई इस किसी टीचर के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था कि पूरी की पूरी जो सीरीज है वो ट्रेंडिंग में डाल दी थी तुमने। भाई ये क्या कर दिया यार, कमाल कर दिया तुमने, कमाल कर दिया यार। ठीक है, और अभी आपकी बैच चालू ही है, जो जूनियर से आपके जो अभी 12वीं में बहुत परेशान रहते थे सर हमारे लिए भी MHTCD चालू करो, एक लव्य 2.0, मतलब तुम लोगों ने इस बैच को इतना फेमस कर दिया कि जो जूनियर से वो पहले से ही एकदम रेडी है कि हम एक लव्य बैच के स्टूडेंट बनने के लिए तैयार है, हमें लॉन्च करो हमारे लिए बैच। तो हम रुका के रखें, जब तक मेरे ये लाडले बच्चे एग्जाम दे के निकलते नहीं है तब तक नेक्स्ट बैच हम लॉन्च नहीं करेंगे। अब आपकी एग्जाम हो जाने के बाद इनकी एकलव्य 2.0 लॉन्च होगी, लेकिन इनको सिर्फ क्या MHTCD बढ़ाया जाए, नहीं, इनके लिए हमने आरंभ बैच लॉन्च की है 2022 की बोर्ड एग्जाम के लिए। भाई आपकी तो बोर्ड एग्जाम हो गई कैंसिल कोविड की वजह से, लेकिन क्या सबकी बोर्ड एग्जाम कैंसिल होगी? नहीं नहीं, आपके जूनियर से उनको जरूर बताओ कि यूट्यूब और ऐप के ऊपर जो लेक्चर्स आ रहे हैं आरंभ बैच के, ओके आरंभ बैच के लेक्चर्स आ रहे हैं, उनका अंदाजा मार दिया रात के 1 बजेंगे। भाई तू टेंशन ना ले, रात के 1 बजे 2 बजे या सुबह हो जाए या 12 बजे खत्म हो जाए, जो हो वो बात की बात है, भाई शुरू कर दिया, दौड़ना चालू कर दिया, दौड़ते रहेंगे, रुकना नहीं है, जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये रिविजन है, फुल टाइम जो सीखना नहीं है, फर्स्ट टाइम नहीं सीख रहे हो, ये रिवीजन है, सारी चीजों को रिवाइंड करेंगे हम कि हमने कौन कौन से चैप्टर में क्या सीखा था, कौन से फॉर्मूले थे, कौन से शॉर्टकट यूज किए थे, है ना मजे की बात। तो चलो सबसे पहले हम आज करेंगे 12th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है बच्चों, 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है 12th का जो Maths 1 है इसके अंदर जो पहला चैप्टर है बच्चों, जो पहला चैप्टर है वो है मैथमेटिकल लॉजिक, जो लगता है आपको बड़ा आसान है कि नहीं, फिर भी उसमें छोटी छोटी गलतियां कर ही देते हो। सबसे बड़ी बात है कि सर हर चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। देखो बेटा आपको 11th का सिलेबस है, ठीक है, 12th का सिलेबस है, मैं बार बार बता चुका हूं आपको बेटा कि 11th और 12th का जो सिलेबस है, 11th में 10 चैप्टर है, तो हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा, 10 × 1 10 क्वेश्चन होंगे, और हर क्वेश्चन 2 मार्क का है, तो 20 मार्क आपके 11th के हैं। तो आपके 10 चैप्टर याद रखो, हर चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आने वाला है, पूरी स्ट्रेटजी बना के करो जो भी करना है। भाई 12th स्टैंडर्ड के 15 चैप्टर है ना सर, 15 में से 40 क्वेश्चन आएंगे, तो खुद ही अंदाजा लगाओ ना, अगर 15 चैप्टर है 40 क्वेश्चन है तो भाई जो बड़े बड़े चैप्टर है उसमें से 3 क्वेश्चन, छोटे छोटे चैप्टर में से 2, जैसे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे में से 2 या 1 ही क्वेश्चन आएंगे, बट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर्स, 3-3 क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है कभी किसी में रेयरली 4 आ जाए, ऐसे कोई ब्लूप्रिंट तो है नहीं कि भाई ये चैप्टर से इतना ही आएगा 12वीं के जैसा। तो भाई आप एक अंदाज पकड़ के चलो कि 3 क्वेश्चन बड़े चैप्टर से, 2 क्वेश्चन छोटे चैप्टर से, ऐसे करके 40 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, 80 मार्क होगा, 12th का 20 मार्क हो गया, 11th का टोटल 100 मार्क का पेपर होगा, क्वेश्चन 10 11th से और 40 जो है 12th से होंगे, टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। ये बात अलग है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर जो है वो 100 मार्क का है, 50 क्वेश्चन फिजिक्स से 1-1 मार्क के होंगे, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री से 1-1 मार्क, टोटल 100 मार्क के लिए 100 क्वेश्चन होंगे, बट मैथ्स में एक अच्छा है कि आपको 100 मार्क के लिए 50 क्वेश्चन ही होंगे, 2 मार्क का एक होगा। सो ये एक जो है आपको ध्यान में रखना है, लॉजिक चैप्टर से हम शुरुआत कर रहे हैं, भाई सब कुछ आता है आपको लॉजिक, बहुत अच्छे से आपने लॉजिक के लिए किया था। एक सेकंड मुझे देना बेटा, मेरा शूज थोड़ा टाइट हो गया है, एक मिनट, यस पढ़ो भाई भाई भाई, अरे वाह अच्छा खासा स्ट्रेंथ हो गया है भाई, मजा आने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहां पर इस चैप्टर की अगर हम बात करते हैं बेटा, इस चैप्टर के अंदर तो देखे स्टेटमेंट्स होते हैं, कोई एक सेंटेंस स्टेटमेंट है कि नहीं है, दूसरा जो लॉजिकल कनेक्टिव होते हैं एंड और ये सब, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ, कंपाउंड स्टेटमेंट्स होते हैं, स्टेटमेंट पैटर्न होता है, टॉटोलॉजी, कॉन्ट्रोडिक्शन, कंटिजेंसी याद करो, लॉजिकल इक्विवेलेंस होते हैं कि दो मैथमेटिकल लॉजिक के अंदर दो अलग अलग टर्म्स है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वो इक्वल है क्या, और अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, टॉटोलॉजी, कंट्रोडिक्शन, कंटिजेंसी, क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट,
ये सारी चीजें, पर निगेशन, और यहां से एक क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस। इसके अंदर और दो चीजें हैं, ड्यूअल एंड सर्किट, जो कि हो गया डिलीट, और मैं आज जो डिलीटेड टॉपिक्स है उसको कवर नहीं करने वाला हूं, वो नहीं आएगा ना, जो चीज आने वाली ही नहीं है उसकी बात ही क्यों करना। तो ड्यूअल एंड सर्किट की बात नहीं करेंगे, हो सकता है इस पीपीटी में कोई ऐसा चीज आ जाए जो डिलीटेड है, वो मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। तो जितना बताऊंगा वो सब रहेगा ही रहेगा, ड्यूअल और अब सबसे इंपॉर्टेंट भी बताएंगे। बच्चे बोलते हैं कि सर बता दो कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, बता दो सर कौन सा, तो चलो डिस्कस भी करते हैं इसके ऊपर। तो जैसे कि मैं बता रहा हूं कि भाई एक क्वेश्चन जो है निगेशन पकड़ के चल, एक क्वेश्चन जो है तुझे बता दूं बेटा कि ये जो होता है ना कन्वर्स इनवर्स, कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव है ना, कंसेप्ट याद करके रख, इसमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस है। ओके, एक हो गया निगेशन, एक हो गया कन्वर्स इनवर्स कंट्रा पॉजिटिव, दो हो गया। ओके, और अगर देखा जाए तो और एक तुझे प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, और एक क्वेश्चन मिलेगा प्रॉपर्टी, जैसे कि जैसे ये आ गया पी एंड निगेशन पी और क्यू इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, जैसे कि हमारे कॉम्पिटिशन में आज हमने लिया था कि ये क्या होगा, तो ऐसा कुछ होगा तो उसको प्रॉपर्टी यूज करके बताना है कि इसका आंसर फाइनली क्या आएगा। तो ऐसे टाइप के तीन क्वेश्चन आ सकते हैं, एकदम ध्यान से देखो। इसी के अंदर एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्वांटिफायर का यूज किया हुआ क्वेश्चन, क्वांटिफायर्स वाला, समझ में आ रहा है? तो भाई ये जो मैं बता रहा हूं ऐसे टाइप के चार पांच क्वेश्चन जो होंगे उसमें से कोई तीन क्वेश्चन यहां पर आने के चांसेस है, ठीक है? तो उस टॉपिक को अच्छे से करो। देखो चैप्टर के अंदर चीजें बहुत है, तो क्या सभी को याद रखना है? भाई देख, जैसे कि अभी यहां पर है बेसिक चीजें कि कंजक्शन, तो ये तो तुझे पता है ना, बचपन से किया है, एंड कंजक्शन होता है, ओके, एंड डिसजंक्शन मतलब क्या होता है, और होता है, ऐसे करते हैं, निगेशन नॉट, ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं। मैं सब ये पीपीटी भी आपको देने वाला हूं, यस पीपीटी भी आपको दूंगा, आप रिवाइज कर सकते हो। तो एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक हम जाएंगे, छोटी छोटी बातें भी डिस्कस करने वाले हैं, एकदम मेरे साथ बने रहो। तो भाई देखिए, जो एंड और नॉट होता है, नॉट को निगेशन बोलते हैं, नागू रहता है हमारा नागू, एंड मतलब ए का एंड, और एंड को बोलते कंजक्शन, और को बोलते डिसजंक्शन, ओके, इफ देन एरो होता है, इसको कंडीशनल बोलते हैं, इफ एंड ओनली इफ को आई डबल एफ लिखते हैं, बाई कंडीशनल बोलते हैं, या डबल इम्प्लीकेशन बोलते हैं, इसको इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं। ये सारी चीजें याद है। इसके अंदर आपने ये भी पढ़ा था बेटा, इसके अंदर आपने ये भी पढ़ा था कि ट्रूथ टेबल जब सबका होता है कि भाई कंजक्शन, जैसे पी और क्यू है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि पी एंड क्यू करना है, तो इसका एक रूल होता है जो आपने याद रखा है, क्या रूल था? दोनों टी होगा तो ही टी, नहीं तो फॉल्स। भाई दोनों टी है, देख दोनों टी है तो टी, अदरवाइज फॉल्स। पी और क्यू डिसजंक्शन क्या है कि भाई एक भी टी दिखा तो टी, ये दोनों में से एक भी टी दिखा तो टी, एक भी टी नहीं है तो फॉल्स। तो ये कुछ मेन कंडीशन है लॉजिक टेबल के लिए याद रखना जो यूजफुल होगी। पी देन क्यू के अंदर एक कंडीशन था कि पहला पी, एक कंडीशन था कि पहला पी होगा, अरे सॉरी पी नहीं, पहला टी होगा, एक मिनट, इसके लिए पहला टी और दूसरा एफ होगा तो ही फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो ये कंडीशन भी है देखो इसके अंदर कि पहला टी और दूसरा एफ है तो ही फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। और डबल इम्प्लीकेशन में क्या था, डबल एरो में, कि भाई दोनों सेम सेम होने चाहिए, दोनों टी होगा तो टी, दोनों एफ होगा तो भी टी, ठीक है? तो ये कुछ चीजें हैं याद रखना है। निगेशन क्या था, ट्रू का निगेशन फॉल्स होता है, फॉल्स का निगेशन ट्रू होता है। सर इतना सीजी सी क्यों बता रहे हो भाई, सब कुछ देखना ना आपको, सब कुछ देखना है। यस, अभी यहां पर आगे बढ़ते हैं। चलो ये कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आने के फुल चांसेस है। कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, देख बेटा, अगर मैं बोलू पी देन क्यू, कोई एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो इसका तीन तीन टाइप से आप कर सकते हो। कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, वो क्या होता है, देख देख, मैंने इसको पहले भी तुमको बताया कि कोई एक लड़की है, आ हा हा हा, कोई एक लड़की है, ओके, कोई एक लड़की है, ये अपने पापा की परी होती है, ओके, और अपनी भाइयों की बहन होती है, शादी होने के बाद बीवी बन जाती है, बच्चे होने के बाद माँ बन जाती है, फिर सास बन जाती है, फिर दादी बन जाती है, तो एक ही के कितने रूप होते हैं, तो वैसे ही कोई एक स्टेटमेंट है, इसके अलग अलग रूप होते हैं, समझ में आ रहा है? तो उसका कन्वर्स, कन्वर्स क्या बोलता है, आगे पीछे कर दो, क्यू आगे ले लो, पी पीछे ले लो, समझ में आ रहा है? इसके बाद होता है इनवर्स, इनवर्स मतलब जैसा है
वैसा लिख के उस पर नागू लगा दो, नागू। सर ये नागू क्या है? निगेशन है, निगेशन। कॉन्ट्रो पॉजिटिव क्या होता है भाई? इसको पहले कन्वर्स कर दो आगे पीछे, बाद में नागू लगा दो। ये भाई तू इसको याद रख, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा और जब क्वेश्चन आएगा तू बहुत खुश हो जाएगा। यस, अच्छा हुआ दिनेश सर ने मुझे याद दिला दिया था। ये सब तुझे आता है रे? नया कुछ नहीं है सर। नया क्या सिखाओगे? अरे कुछ नया नहीं है, सब तुझे आता है। सब तुझे आता है भाई। तो आप क्या कर रहे हो? बस तेरे चेहरे पे और दिमाग में जो पड़ी हुई धूल है उसको हटा रहा हूं मेरे गजनी। ओके, तो एकदम ध्यान से देख, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, ये प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन आएगा। जैसे ने मैंने तुझे बताया ना, कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रो पॉजिटिव का एक क्वेश्चन आएगा, वैसे ये प्रॉपर्टी वाले भी एक क्वेश्चन आएंगे मेरे दोस्त। देख, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डी मॉर्गन्स लॉ। सर क्या क्या है क्या ये? भूल गया सर, यही तो कठिन था, याद करता था भूल जाता था। ओके, देख भाई, पी और क्यू रहे तो आगे पीछे कर सकते हो, एंड और में आगे पीछे चलता है। तू इधर है, वो उधर है, तू इधर चले जा, उसको इधर लेके आ, चलेगा, दोनों तो है ना वही। तीसरे को मत लेके आना बीच में, ट्राइंगल नहीं करने का, समझ में आया? तो कॉम्यूटेटिव लॉ चलता है और एंड के अंदर, सिर्फ और एंड के अंदर। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ चलता है, यानी कि अगर समझ, ये और है, ये और है, यानी पी और क्यू दोनों भाई है और आर भी उसका भाई है, दोनों भाई है। तो भाई तुम किसी की जोड़ी किसी से बना दो, पी और क्यू, अब क्यू की आर के साथ जोड़ के चलेगा, पी क्यू आर की जोड़ी, तीनों आपस में भाई है, एसोसिएटिव लॉ। लेकिन समझो, एक भैया है और एक सैया है तो नहीं चलेगा जोड़ी, ऐसा क्रॉस नहीं कर सकते। अगर एक और है, एक एंड है, तो भाई ऐसा एसोसिएटिव नहीं कर सकते, तो डिस्ट्रीब्यूटिव कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी, याद करो, ये जो पी था उसको एक बार क्यू के साथ और करेंगे, फिर एंड इस पी को फिर आर के साथ और करेंगे। समझ रहे हो कि अगर ये और है तो भाई कोई किसी के साथ जा सकता है, अगर दोनों एंड है कोई किसी के साथ जा सकता है, लेकिन अलग अलग है तो भाई अपने वाले के साथ ही जाने का। ठीक है, इस तरह से ये ए एंड और होगा तो भी। अभी डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन क्या बोलता है? जब भी किसी ब्रैकेट के अंदर नागू आ जाएगा, जब भी किसी ब्रैकेट के अंदर नागू आ जाएगा, अंदर घुस जाएगा, वो सबके पास जाएगा, अंदर जो और था उसको एंड कर डालेगा, एंड को और कर डालेगा, बड़ा मजा आएगा। ये डी मॉर्गन लॉ। सर ये तो निगेशन हमको मालूम है, नागू अंदर गया तो सबके पास जाता, और का एंड होता, एंड का और होता। अरे उसका नाम याद कर, डी मॉर्गन लॉ। आगे देख, कंडीशनल लॉ क्या होता है? पी देन क्यू का निगेशन कर नहीं पाते हम। ये एरो है ना, बड़ा बदमाश रहता, हटता नहीं है, तो इसका निगेशन करने के लिए हम क्या करते हैं? कंडीशनल लॉ, पी को निगेशन पी, एरो को और क्यू कर देते। ठीक है, अगर बाई कंडीशनल है तो पहले दोनों को कंडीशनल करते, पी देन क्यू एंड क्यू देन पी, ये करते हैं। बाद में क्या करते हैं? ये कंडीशनल लॉ, पी देन क्यू का ये था ना निगेशन पी और क्यू, वो करते हैं एंड क्यू देन पी को ये। ठीक है, एब्जॉर्प्शन लॉ, पी और पी एंड क्यू है तो पी और पी पी हो जाएगा। अच्छा, ये पूरा पी और पी एंड क्यू है ना तो पी आंसर आएगा, पी एंड पी और क्यू है तो पी आंसर आएगा, ये याद करके रखना पड़ेगा आपको, एब्जॉर्प्शन लॉ। चलो अभी आइडेंटिटी लॉ है कि पी का टी के साथ और किया तो टी आएगा, पी का एफ के साथ और किया तो पी आएगा, पी का टी के साथ एंड किया तो पी आएगा, पी का एंड किया एफ के साथ तो एफ आएगा। आइडेंटिटी लॉ थोड़ा सा दिमाग चला के भी करना, मैंने कई बार बताया हुआ ये। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है कि पी और निगेशन पी का और किया तो ट्रू, क्योंकि एक तो ट्रू हो ही जाएगा तो ट्रू हो गया, अगर पी एंड निगेशन पी किया तो एफ हो जाएगा, नागू का नागू हट जाएगा पी आ जाएगा, दो निगेटिव एक सो बता लेकिन पॉजिटिव होता, ट्रू का निगेशन फॉल्स होगा, फॉल्स का निगेशन ट्रू होगा, प्रॉपर्टी का नाम नहीं याद किया तो चलेगा? कहता रहता चलेगा रे, तो खाली कंसेप्ट मालूम रख। देखो, पी का पी के साथ और किया तो पी आएगा, पी का पी के साथ एंड किया तो पी आएगा। एड इम्पोर्टेंट लॉ, सर लॉ तो याद नहीं होता, चलेगा तो कंसेप्ट याद रख। देखो, स्टेटमेंट के तीन टाइप होते हैं, पैटर्न होते हैं। एक होता है टॉटोलॉजी, अगर ट्रूथ वैल्यू हमेशा टी आ रही है टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, अगर ट्रूथ वैल्यू हमेशा एफ आ रही कॉन्ट्राडिक्शन, उसका ही दूसरा नाम फेलेसी भी होता है, फैलेसी भी होता है, याद रखो, कंट्राडिक्शन का दूसरा नाम फैलेसी होता है। अगर मिक्स आ रहा है तो कंटिंजेंसी या तो नाइदर हम तो बोलते हैं। क्वांटिफायर की बात करेंगे, क्वांटिफायर दो टाइप के होते हैं, पट कर रहा हूं बेटा, फॉर ऑल एंड देयर एग्जिस्ट, इसको यूनिवर्सल क्वांटिफायर बोलते हैं, इसको एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बोलते हैं। फॉर ऑल जब भी होता है
फॉर ऑल जब भी होता है, फॉर ऑल जब भी होगा बेटा, तो ज्यादातर वो स्टेटमेंट फॉल्स होने के चांसेस होते हैं। देयर एग्जिस्ट जब भी होगा तो 99% ट्रू होने के चांसेस होते हैं, याद रखो 99%। बाहर भेज दो सर, अमित सर, 99% चांस होता है कि अगर फॉर ऑल है तो फॉल्स होगा, और अगर देयर एग्जिस्ट है तो 99% चांस है कि ट्रू होगा। ये एक ट्रिक है जो आप याद रख सकते हो, स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स के लिए आता है। निगेशन ऑफ स्टेटमेंट, ये आपको पता ही है कि नागू अंदर गया और का एंड हो जाएगा, सबके पास जाएगा, बाकी सब ये बहुत इजी है। यहां पर खाली याद रखना है कि फॉर ऑल का निगेशन, फॉर ऑल होगा तो ऑल को हमेशा सम कर देंगे, ओके, सम को ऑल कर देंगे, ऑल को सम कर देंगे, ऑल होगा तो सम, सम होगा तो ऑल कर देंगे, एवरी को देयर एग्जिस्ट कर देंगे, ओके, इस तरीके से। ये जो फॉर ऑल का निगेशन करोगे तो देयर एग्जिस्ट आ जाएगा, देयर एग्जिस्ट का निगेशन करेंगे तो फॉर ऑल आ जाएगा, इस तरह से, ओके। अभी कभी इसका निगेशन करना है एक्स लेस देन वाई, उसका निगेशन ये अंदर जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका निगेशन सीधा लिखेंगे एक्स और वाई, इसको चेंज करने का, ये लेस देन है तो ग्रेटर देन करके इक्वल दे देने, इक्वल नहीं है तो इक्वल दे देंगे, ओके, ग्रेटर देन है तो इस तरह से लेस देन इक्वल कर देंगे, इक्वल होगा तो निकाल देंगे। ये सब निगेशन की चीजें है, बहुत सारा मैंने सब कुछ बता दिया है। चैप्टर वन के अंदर इतने सारे कंसेप्ट है जिसमें मैंने बताया, एक निगेशन का कंसेप्ट क्वेश्चन, एक कंट्रा पॉजिटिव कन्वर्स इनवर्स का क्वेश्चन, और एक प्रॉपर्टी यूज करके क्वेश्चन आएगा। पहला चैप्टर हुआ फिनिश, बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लेने वाला हूं, फटाफट बताने वाला हूं, ओके, और अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में फटाफट शेयर कर दो। टोटल 25 चैप्टर है, एक चैप्टर को हम 10 से 15 मिनट में क्वेश्चन खत्म करने की कोशिश करेंगे ताकि ये जल्दी से खत्म हो जाए, ओके, क्योंकि ये फाइनल रिवीजन, ये चीजें आप सीख चुके हो, तो भाई अब शुरू होता है सेकेंड चैप्टर मैट्राइसिस। सेकेंड चैप्टर बहुत प्यार से आपने किया था, भूल गए क्या, मैट्राइसिस, ओके, चैप्टर नंबर 2। चलो नेक्स्ट किए, फटफट देखेंगे। इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपको पढ़ना है बेटा, कि जो रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका कुछ यूज सीटी में है ही नहीं, ओके, कभी कुछ ऐसा रेयरली क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आर टू रो टू को ट्रांसफर करो, उसमें ये करो, लेकिन ऐसा कुछ ही नहीं आता। मैक्सिमम इनवर्स को लेके ही क्वेश्चन आते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को लेके ही कन्वर्स आते हैं इसमें, ओके, इनवर्स वाले क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, ये याद रखना है। एप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसिस ये भी ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, तो मैक्सिमम जो आपको क्वेश्चन आएंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, समझना है, याद रखना है, ओके। चलो एक बार सब देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस रिवीजन कर रहे हैं वो हिसाब से। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो भाई, बहुत फास्ट कर रहा हूं मैं, फटाफट रिवीजन करेंगे। ये 2x2 का मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रो होता है, नंबर ऑफ कॉलम होता है। ऐसे ही अगर 3x3 का भी मैट्रिक्स हो सकता है, ओके, सर एसी का सेटिंग चेंज करो, कूल नहीं हो रहा है सर। ये 3x3 होता है, 3 रोज एंड 3 कॉलम, टर्बो मोड डाल दो, ओके, ये 3 रोज एंड 3 कॉलम, ऐसे जो भी मैट्रिक्स होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते हैं। अगर यहां पर एक दूसरा मैट्रिक्स है यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ये एक टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। यहां पर हमेशा ये इस तरह से होगा, डायगोनल पे 1 होगा, नॉन डायगोनल 0 हो जाएंगे, यहां भी 1 1 1 होगा, ये सब 0 हो जाएंगे। इसको हम आई लिखते हैं, ये बड़ा मजेदार होता है, आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बड़ा मजेदार होता है। इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि एक इनवर्स का क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन ऐसा इक्वेशन वाला आ सकता है कि कोई दो मैट्रिक्स दिए होंगे और उन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, या मैट्रिक्स ए का स्क्वायर करना, या ए स्क्वायर प्लस ए आई प्लस आई, ऐसा कोई इक्वेशन होगा, बोलेगा ये फाइंड आउट करो, तो ऐसा कुछ एक क्वेश्चन आ सकता है, समझ में आ रहा है। तो बस इसको याद रखना है, ये अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, सब आपको पता है। डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ पर देख सकते हो कि ये भी एक टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, ओके, डायगोनल को छोड़ के बाकी के सब एलिमेंट जीरो होते हैं, डायगोनल को छोड़ के बाकी के सब एलिमेंट जीरो होते हैं, उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, मतलब बोले तो सर, अरे बेटा ऐसा रहता है, डायगोनल को छोड़ के, ये डायगोनल, इसको छोड़ के बाकी सब जीरो रहते हैं। अब अगर कुछ ना कुछ है तो डायगोनल, अगर समझो ये तीनों सेम है 3, तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर ये तीनों सेम है और 1 हो जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। रो मैट्रिक्स यानी जिसके अंदर सिंगल एक रो होता है, कॉलम मैट्रिक्स मतलब जिसमें एक सिंगल कॉलम होता है, ओके,
फटफट देख रहे हैं, नल मैट्रिक्स मतलब जीरो मैट्रिक्स होता है, उसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, टू बाई टू का जीरो मैट्रिक्स है या थ्री बाई थ्री का है, इस तरीके से। ओके, तो इतना इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, ट्रांसपोज क्या होता है, देखो ये कड़क काफी इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपोज क्या होता है, एकदम ध्यान से देखना, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर समझो कोई एक मैट्रिक्स है ये ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री, ये वन 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 टू क्या होते हैं, ये इसके पोजिशन होते हैं, ए वन वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ए वन टू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ए टू वन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये उसका पोजिशन होता है। तो अभी उसका अगर एडजॉइंट निकालना है, ये जो ए है इसका एडजॉइंट निकालना है, तो क्या करेंगे, ये जो भी एलिमेंट्स है उसके को फैक्टर्स निकालोगे। को फैक्टर्स याद आ रहा है क्या, माइनर्स एंड को फैक्टर, नहीं याद आ रहा है, अगर समझो मैं ये ए वन वन है इसका माइनर निकालना चाहूँ तो ये आ जाएगा, देखो ये डिटर्मिनेंट, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे माइनर आ जाएगा, उस माइनर का याद करो क्या सिखा रहा हूं मैं, अगर समझो तुम्हें एम ऑफ वन वन आ गया यानी इसका माइनर आ गया, तो आपको करना क्या, माइनस वन रेस टू, ये वन वन है तो वन प्लस वन, और इसका जो अगर मुझे को फैक्टर निकालना है तो को फैक्टर यानी कैपिटल है, तो इसका जो माइनर है मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा याद रखेंगे इसका जो भी माइनर आएगा उसमें माइनस या तो प्लस लगेगा तो को फैक्टर आ जाता है, यानी कि ये को फैक्टर होता है और माइनर सेम होते हैं, माइनर को फैक्टर सेम होते हैं, माइनर ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, ये जो आएगा ना माइनर को फैक्टर भी वही रहेगा, सिर्फ ये देखने का वन वन टू इवन है तो सेम आएगा, अगर ए टू वन रहे और एम टू वन रहे, टू अभी ये दोनों सेम रहेगा, टू वन थ्री, थ्री ऑड है तो माइनस आ जाएगा, समझ में आ रहा है, इस तरह से अगर एम टू वन जो भी उसका निगेटिव करेंगे तो ए टू वन आ जाएगा। तो ये हो गई को फैक्टर्स की बात, जो को फैक्टर्स के मैट्रिक्स होते उसको अगर ट्रांसपोज कर दे तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है, एडजॉइंट बड़ा काम का चीज है, अगर ये मैट्रिक्स है इसके को फैक्टर्स निकाला हमने, जो भी आया ए वन वन ए वन, उस को फैक्टर्स को ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज मतलब जो रो है उसको कॉलम कर दिया, जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम किया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम किया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम किया, घुमा दिया और आड़ा है उसको खड़ा कर दिया, तो वो हो जाता है एडजॉइंट ए, याद रखना है काफी इंपॉर्टेंट है एडजॉइंट ए। अभी देखो किसी का भी इनवर्स निकालते, कोई भी मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का इनवर्स ए इनवर्स होता है, और हर मैट्रिक्स का एक डिटर्मिनेंट होता है इस तरीके से, अगर कोई मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, अगर कोई एक मैट्रिक्स है, सपोज एक मैट्रिक्स है और टू वन थ्री फोर, इसका डिटर्मिनेंट हम ऐसे करते हैं तो ये मैट्रिक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं कर सकते, बट डिटर्मिनेंट कर सकते हैं, टू वन थ्री फोर क्रॉस मल्टीप्लाई करो सॉल्व हो जाएगा, तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो नहीं आता है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है। बहुत बार देखो ऐसा एक क्वेश्चन आया है, हमने जब भी पीवाईक्यू किए थे तो एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि भाई जो डिटर्मिनेंट है, जो मैट्रिक्स है इज नॉट इन्वर्टिबल, ओके इज नॉट इन्वर्टिबल, देन फाइंड द वैल्यू अननोन वैल्यू, तो नॉट इन्वर्टिबल है मतलब उसका इनवर्स नहीं निकलता है, मतलब कि उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा तभी तो उसका इनवर्स नहीं निकलता है। जब भी ऐसा होता है कि ए डिटर्मिनेंट जीरो है इनवर्स नहीं निकलेगा, तो ये कंडीशन यूज करके भी हम निकाल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है याद रखना। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जब डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो होती है उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, समझ में आ गया। चलो आगे, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो इनवर्स निकालने के अलग अलग तरीके हैं, कोई एक तरीका रिडक्शन मेथड डिलीट हो गया, तब हमको यहाँ पर इनवर्स निकालने के लिए आएगा, कोई मेथड नहीं आएगा कि आप किस मेथड से कर रहे हैं, एडजॉइंट मेथड से कर रहे हैं कि रिडक्शन मेथड से कर रहे हैं, कौन से मेथड से कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला जाएगा, आपको सिर्फ इनवर्स निकालने आना चाहिए। इनवर्स निकालने के शॉर्टकट ट्रिक्स होते हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको 2x2 और 3x3 के दिए हुए हैं, बिल्कुल उस तरीके से करना। चैट में मेरे प्यारे बच्चे क्या बोल रहे हैं, यस डर के आगे जीत है और इंजीनियरिंग कॉलेज में सीएस को सीट है, थग लाइफ। ओके सिद्धांत सर मेरे हाथ पे टैटू है, मेरे को पेपर दे, अरे मिलेगा ना, तू क्या आर्मी में भर्ती होने जा रहा है, जो तुझे भगा देंगे। ओके इसकी बीवी उसके घर वाली ट्रिक, ओके ओके गणपति बप्पा मोरिया, ओके लवकर हो देते झाला आता पेपर, ओके ओके सर्व होना है, मुलानू 2500 मुलं बघता है, त्याला 3000 वाट पोहोचवा, 3000 तक पोहोचाना है, ओके 3000 तक कर दो, लाइक कर दो सेशन को यार, सिर्फ 2500 लाइक भी नहीं हुए, क्या चल रहा है मेरे बच्चों। देखो इनवर्स का मैं बोल रहा हूँ, कभी भी ए इनवर्स निकालना है, किसी का भी इनवर्स निकालना होगा तो सीधा क्या करने का एक तरीका होता है, उसका जो डिटर्मिनेंट है ए का उससे डिवाइड करके एडजॉइंट ऑफ ए
से मल्टीप्लाई करने का, ये एक तरीका होता है इनवर्स निकालने का, और यही एक तरीका बड़े काम का है। कभी भी इनवर्स निकालोगे तो एडजॉइंट निकाल के ए के डिटरमिनेंट से डिवाइड करना। चलो आ जाओ, बाकी कोई तरीके भूल जाओ सब। जैसे कि मैं तुमको एक बताता हूं बेटा, ए क्या है 2, 1, 3, 4, पर हमको बोला इसका एडजॉइंट निकालो। एडजॉइंट तो एडजॉइंट कैसे आएगा, एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए, तो भाई सीधा सीधा क्या करने का, एडजॉइंट निकालने बोला ना। एकदम ध्यान से देख, ये 2, 4 है ना, इसको पलटी कर देने का 4, 2, और इन दोनों को निगेटिव कर देने का -3, -1, बस ये हो गया एडजॉइंट 2/2 का। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, यहां पर जो है ना इसको बदली कर देते हैं और इन दोनों को निगेटिव कर देते हैं, याद आ रहा है ये, तो ये एडजॉइंट हो गया। लेकिन इसका अगर डायरेक्ट ए इनवर्स निकालने बोला तो पहले एडजॉइंट देखो, ये तरीका है 1/a डिटरमिनेंट एडजॉइंट, एडजॉइंट ए तो ये पता है, इसको बदली कर देंगे, इन दोनों को निगेटिव कर देंगे। भाई बिना टाइम वेस्ट किए हम ये करेंगे, एकदम शॉर्टकट आपने पहले ही सीखा हुआ है। बट यहाँ पर 1/a डिटरमिनेंट, तो 1/ आप करोगे, इसका डिटरमिनेंट 2, 4 = 8, -3, 1 = 3, 8 - 3 = 5 आ गया। तो किसी भी मैट्रिक्स अगर 2/2 का है तो डायरेक्ट इनवर्स निकालने का ये तरीका होता है एकदम। ओके आयुष बोलता है थोड़ा नर्वस हूँ, 20 को पेपर है। भाई अच्छी बात है, पहला पेपर तेरे से होगा, तुझसे श्री गणेशाय होने वाला है, खुशी की बात है बेटा, और तू सबसे पहले फ्री हो जाएगा। टेंशन कहाँ लेता है बे, टेंशन कहाँ लेता है। चल ये हो गया ए इनवर्स। ऐसे ही 3/3 का भी ए इनवर्स का ट्रिक होता है, मैं तुझे बता देता हूँ अभी। देख यहाँ पर एक और है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है यहाँ पर, कि जो ए आई जे है ए जे आई को सेम होता है। मतलब क्या है कि जो डायगोनल जो है मिरर का काम करता है, इस तरह से सिमेट्रिक है। 2, 3, 5, यहाँ पर 1 है तो ये भी 1 है, ये 4 है तो ये भी 4 है, ये 6 है तो ये, मतलब ये जो डायगोनल है ये मिरर का काम कर रहा है, इसके दोनों साइड सेम सेम एलिमेंट्स है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक, वो क्या होता है, यहाँ 1 है तो -1 है, यहाँ -4 है तो ये +4 है, ये -6 है तो ये +6 है, इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये कुछ कंसेप्ट है जो आपको सारे कंसेप्ट रिवाइज हो रहे हैं, फट देखो स्क्यू सिमेट्रिक बता दे। इक्वल मैट्रिक्स, कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं अगर उनका दोनों का ऑर्डर सेम रहे और उनके सारे के सारे एलिमेंट सेम रहे। अगर मैं बोल दूं कि एक मैट्रिक्स है 2, 3, x, 4 और यहाँ पर एक मैट्रिक्स है 1, b और 3, 2, एक मिनट, यहाँ पर अगर मैं बोल दूं कि ये 2 और ये c है, तो आपको अगर बोल दिया कि हाँ ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, इसका मतलब इनका ऑर्डर भी सेम है, इनके सारे एलिमेंट भी सेम है। मतलब अगर यहाँ पर x है, यहाँ पर 3 है, तो x की वैल्यू 3 आ गई, ये कंसेप्ट काम आता है बार बार। यहाँ पर b है तो b की वैल्यू 3 को इक्वल आ गई, और यहाँ पर c है तो c की वैल्यू 4 को इक्वल आ गई। बेटा इस तरीके से ये होता है इक्वल मैट्रिक्स अगर होगा तो। आगे बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो यहाँ पर है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी काम आ सकता है, कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट जो होता है वो ए डिटर्मिनेंट को 1/ करेंगे तो सेम होता है। यहाँ पर ये बहुत बार हमने यूज किया था, याद करो इसके अंदर, कि ए बी का इनवर्स, इनवर्स अंदर जाएगा तो ये बी ए का सीक्वेंस आगे पीछे हो जाएगा, बी पहले आ जाएगा ए बाद में, और दोनों का इनवर्स हो जाएगा। वैसे ही अगर ए बी सी है, तीन तीन जन है, इनवर्स है, इनवर्स सबके ऊपर भेज रहे हो, तो ये सी सबसे पहले आ जाएगा, फिर बी और ए सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो ये एक ट्रिक है, जब इनवर्स करते हैं तब ऐसे करते हैं। ये तो पता ही है, बार बार कर रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, ए डिटर्मिनेंट। ओके ए इनवर्स क्या होता है, ए इंटू एडजॉइंट ए करके भी आता है, या तो ए को बाद में मल्टीप्लाई करो एडजॉइंट ए में, या तो ए इनवर्स ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ये इस तरह से, अगर इसकी वैल्यू है ए डिटर्मिनेंट इंटू आई भी होता है। चलो ये अभी यहाँ पर और भी कुछ चीजें, ये इंपॉर्टेंट है देखो, कि एडजॉइंट ऑफ ए बी है, अगर ये एडजॉइंट अंदर गया तो पहले एडजॉइंट बी लिखेंगे, फिर एडजॉइंट ए लिखेंगे, ये इस तरीके से। ओके फिर यहां पर एक है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट है। ओके ये एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट है, तो हम क्या करेंगे, जो ए है उसका डिटरमिनेंट निकाल के एन माइनस वन, एन मतलब उस मैट्रिक्स का ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर मतलब ये 2/2 है तो एन 2 हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ओके ठीक, इसी तरह से ए ऑफ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, तो वो ए के डिटरमिनेंट फिर एन, एन मतलब इसका ऑर्डर को सेम रहेगा। कुछ ये चीजें हैं, देख के डर मत जाना, बहुत सारी चीजें हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, याद रखो। यहाँ पर एक शॉर्टकट मैंने दिया था ए, तो अगर ये ए बी सी डी है, इसका इनवर्स डायरेक्ट निकालना है, तो ये ए और डी अदला बदली कर देंगे, इसकी बीवी उसके घर, याद करो, और बी और सी को निगेटिव कर देंगे और इसको ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे, ऐसे आ जाता है।
ए का डिटर्मिनेंट है उसका इन्वर्स करोगे और ए इन्वर्स का फिर डिटर्मिनेंट, आंसर सेम ही आता है। किसी मैट्रिक्स का पावर एन होगा तो उसके डिटर्मिनेंट के पावर एन को सेम ही रहेगा। ओके, यहां पर कुछ चीजें हैं कि भाई देखो, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, एकदम ध्यान से देखो, अगर कोई मैट्रिक्स ए है 1 0 a 1 है, ठीक है, ये 1 1 है, डायगोनल है 0 है, अगर a रेस टू n करना है तो क्या होगा, ये a का पावर n करना है तो ये जो 1 1 है, ठीक है, अब ये तो 1 ही है, उसका पावर कुछ भी करोगे तो 0 का पावर कुछ भी करोगे तो 0 ही आएगा। 1 का पावर अगर समझो यहाँ पर n लेते हैं पावर, सबका पावर n होगा, 1 का पावर कुछ भी लो 1 आएगा, 0 का 0। ये जो a है ना, यहाँ पर n का मल्टीप्लाई जो भी पावर में, ये एक तरीका होता है, ठीक है। तो ये बाकी सब ऐसे रहेगा, जो कोई अलग नंबर है वो वहां पर n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर समझो a यहाँ है तो इसका पावर n है तो यहाँ n से मल्टीप्लाई, ये कुछ ट्रिक है जो याद रखना है। ओके, एक मिनट, इसमें 3/3 की ट्रिक बतानी चाहिए आपको। 3/3 कैसे था याद करो, कि अगर समझो इस तरीके से कुछ है, यस, 1 2 1 2 3 0 1 1 2 3 1, इस तरह से कोई मैट्रिक्स है, याद करो, तो कैसे करते थे हम लोग, इसका एडजॉइंट पहले निकालते थे। एडजॉइंट कैसे निकालते थे, ये बीच वाले को पकड़ते थे 1, फिर उसके नीचे वाला याद करो 1, फिर उसके नीचे 3 है, तो इधर लिखते थे, देखते थे कॉलम वाइज, लिखते थे रो वाइज, 1 3 फिर 0 1। ओके, इस तरीके से ये पहला हो गया 1 3, उसके ऊपर से 0 फिर 1, फिर ये देखेंगे 2 2 के नीचे 1, फिर उसके नीचे 1 फिर 2, ऊपर से आएंगे ना ऐसे जाके, ऐसे आ जाएंगे 2 1 फिर 1 2 2 1 1 2, फिर इधर आ जाएंगे 2 3 फिर 1 2 2 3 1 2, फिर पहला रो था वापस रिपीट करेंगे। ओके, इस तरीके से फिर ये दो दो की जोड़ी लेंगे याद लोग, और एक मैट्रिक्स बनाएंगे 1 × 1 1 1 − 3 × 2 = 6, तो 1 − 6 − 5, ये आ गया, ये एडजॉइंट आ रहा है। फिर इधर आएगा, यहाँ पर क्या है, 0 था क्या, हाँ ये 0 था, एक मिनट यार क्या कर दिया, 2 2 3 1, ये 3 था, एक मिनट। हाँ ओके, फिर ये ऐसे करेंगे 2 3 = 6 − 2 6 − 2 = 4 आ गया, फिर ऐसे करिए 2 3 = 6 − 3 = 3 आ गया। तो ऐसे करके हम एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे जो एडजॉइंट ए रहेगा, ये इसका एडजॉइंट आ गया। अगर इनवर्स निकालना है तो क्या करते थे याद है, इसमें अपन ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे, वो कैसे आता था याद करो, ये जो रो है ना, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ऐसे ही ये करोगे तो आगे यहाँ के एलिमेंट्स आएंगे। ये 3/3 का शॉर्टकट्स मैंने आपको दिया था बच्चों। यहाँ पर 2 चैप्टर हुए कंप्लीट, 40 मिनट लग गए भाई स्टार्टिंग के, लेकिन हम करेंगे फटाफट, टेंशन मत लो, कोई जाना नहीं, कोई जाना नहीं, मुझे छोड़ के, हाँ छोड़ के जो जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, कोई छोड़ के जाना नहीं भाई, आखिरी मोमेंट है। उल्टा अपने दोस्तों को बोलो आ जाओ भाई, आ जाओ, देखता किधर है, ढूंढ रहा किधर है भाई, देख असली चीज इधर है। ओके, बता दे उसको भाई, असली चीज से दूर मत जा, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन MSTCT का सिलेबस हम लोग कर रहे हैं एकदम, यस, फास्ट करने की कोशिश है, कम टाइम में ज्यादा करेंगे। ओके, कांग्रेचुलेशन, 2 चैप्टर्स कंप्लीटेड, यस, इट्स पावरी लैंग्वेज। ओके, ये मैं हूँ, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, और ये हमारी पावरी हो रही है। ये कुछ नहीं, ये मैं हूं, ये MSTCT का सिलेबस है, और यहाँ फॉर्मूले का रिवीजन हो रहा है। यस 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 यस, ओके, चलो 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 चलो, टाइम का पता ही नहीं चल रहा यार, एकदम फास्ट जाएंगे, टेंशन मत लो। ए भाई ट्रिगोनोमेट्रिक चालू है, ट्रिगोनोमेट्रिक चालू हो रहा है भाई, ये बहुत ज्यादा कंसेप्ट है इसके अंदर। सर इसमें बता दो ना कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इसके क्वेश्चंस की बात करते। देख भाई, एक तो सबसे पहले तुझे बता दूं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन पे क्वेश्चन आना तय है। इतना कॉन्फिडेंस क्यों है सर आप? भाई देख, दो ही यहाँ पर टॉपिक थे, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक जनरल सॉल्यूशन। हमेशा जनरल सॉल्यूशन से क्वेश्चन एक आता ही था CET में मैक्सिमम टाइम, इस बार ऑप्शन नहीं है। तो पहला जो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन से क्वेश्चन आने के फुल चांसेस है, और लगभग मैंने तुमको बोला है कि भाई 3 क्वेश्चन यहाँ से भी आने चाहिए। तो एक अगर मैं बोल दूं कि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन, तो एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है जनरल। तो प्रिंसिपल ही हमारे सिलेबस में, जनरल है नहीं, समझ में आ रहा है? तो प्रिंसिपल से एक आएगा। अभी यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन आएगा ना बेटा, एकदम देख अच्छे से, देख अच्छे से देख, दूसरा जो क्वेश्चन आएगा साइन रूल, कोसाइन रूल या प्रोजेक्शन रूल,
इन तीनों में से कोई एक लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन तो फिर है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, कैसा क्वेश्चन होता है, जैसे ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ कॉस पाई बाई थ्री, ऐसा कुछ क्वेश्चन, तो बाहर इनवर्स रहेगा या अंदर इनवर्स रहेगा उसको सॉल्व करना रहेगा, या कुछ दो तीन इनवर्स रहेंगे, तो ये तीन क्वेश्चन इधर से फिक्स आने के पूरे चांसेस है, देख ले एकदम ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है बता रहा हूं, ओके। ये एन पाटिल बेटा मत लिखना है सब, दूसरे टीचर का मत लिख बेटा, हाँ नहीं दूसरे टीचर का नाम नहीं लिखेंगे अपन, ठीक है बेटा। देखो आप अपनी अच्छाई करो, दूसरे की बुराई मत करो, ठीक है बेटा। पवन एन पाटिल प्लीज यार मत लिख। देखो बेटा यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ कि तीन क्वेश्चन आएंगे, दिमाग में फिट कर लो। देखो होता क्या है कि यार सर इलेवेंथ के इतने सारे चैप्टर है, 10 चैप्टर, हर चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन आ रहा है, एक एक चैप्टर कितना बड़ा है, उसको पढ़ने में इतना टाइम लग रहा है, सर एक अगर हमको पता दो ना कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, खत्म। अगर हमें पता चल जाए कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला तो एकदम इजीली कर लेंगे, ओके चलो। यस एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन आता, अरे कुछ एक्सरसाइज से नहीं आएगा रे ज्यादा, ओके एरिया से भी आएगा क्या ट्रिगो में, बताता हूँ सब बताता हूँ। देख तीन क्वेश्चन है, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन एकदम ध्यान से रख, और दूसरा सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, जैसे एबीसी होता है ट्राइंगल वाला जिसमें साइन रूल कोसाइन रूल पोजीशन, वैसा एक, और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें से ऐसे इनवर्स वाला कोई क्वेश्चन। चलो आगे देखते फटाफट देखते, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है पता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हाँ पता है सर भूल गए, लेकिन ये चैप्टर तो बार बार रिवाइज करना पड़ता है भाई, जिसकी वैल्यू जीरो और टू पाई के बीच में रहे, याद करो लाला इस तरह से एक्स और वाई एक्सिस होता है, यहां से जीरो एंगल स्टार्ट होता है और ये पाई हो गया पाई, और यहाँ पे ये टू पाई होता है, अगर किसी एंगल की वैल्यू ये पहले दूसरे तीसरे या चौथे क्वाड्रेंट में रहे, जीरो और टू पाई के बीच में रहे, ऐसे किसी थीटा की जब दो वैल्यू आती है एक्स की दो वैल्यू, उसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। जब भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना रहेगा याद रखना टू पाई यानी 360 से कम ही होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, जीरो और 360 के बीच में होना चाहिए, जीरो को इक्वल होगा तो चलेगा, तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है। निकालना कैसे मैं बताऊंगा तुमको। हाँ एक क्वेश्चन ये भी है, देखो आ सकता है कि रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ओके इलेवेंथ में भी ये है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ओके और यहाँ भी है, तो या तो कॉम्प्लेक्स नंबर का पकड़ के समझ सकते हो, या यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ये टॉपिक है इलेवेंथ के, तो वहां से समझो या यहाँ समझो, ये कंसेप्ट सेम है। तो अभी यहां पर क्या होता है कि थोड़ा बताना चाहूंगा भाई, देख एकदम ध्यान से देख, तेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा रिवीजन के जैसा हो रहा है, कोई एक पॉइंट है बेटा ये x, y, इसको बोलते हैं ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब इसका ही अगर मुझे बोला पोलार कोऑर्डिनेट तो वो होता है r, थीटा, तो कैसे होगा r, थीटा, तो हम क्या करेंगे जो ओरिजिन है यहां से इसको ज्वाइन करते हैं, ये जो डिस्टेंस होता है r होता है, पॉजिटिव एक्स के साथ इसका जो एंगल है वो थीटा होता है, ये हो गया आर कॉमा थीटा, इसको पोलार कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ये आर कैसे निकालोगे, जो एक्स और वाई अगर अपने को मालूम है तो ये आर निकालने का तरीका होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके इस तरह से आर निकालने का ये तरीका होता है, ओके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थीटा निकालने के लिए देखो बेसिक तरीका है टैन थीटा जो है वाई अपॉन एक्स ले लेने का, टैन थीटा वाई अपॉन एक्स ले लेने का, या तो कॉस या तो साइन के फॉर्मूले से भी कर सकते, उल्टा कभी करना रहा आर थीटा पता है ये दिया है बोला एक्स वाई निकालो, तो ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये तरीका इससे आप कर सकते हो, ओके एक क्वेश्चन रेयरली इसमें आ भी सकता है। अब वो कॉम्प्लेक्स नंबर और यहाँ पर दोनों में सेम कंसेप्ट है ये, आ जाओ अभी एंगल वाला देखते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक देख लिया, एक पोलार एंड कार्टेशियन, याद रखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में भी है इधर भी है, तो हम बोल नहीं सकते वो कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, दोनों में कॉमन क्वेश्चन है, वे एक आ सकता है। अब साइन रूल की बात करते हैं, साइन रूल क्या होता है, देखो पहले ट्राइंगल समझो, कोई एक ट्राइंगल है इस तरीके से, ये ट्राइंगल है, यहां पर ये ट्राइंगल का नाम है एबीसी, ओके ये जो एंगल ए है ना बेटा, इसके सामने के साइड को हम बोलते हैं स्मॉल ए, स्मॉल ए मतलब स्मॉल ए से साइड होता है, एंगल बी के सामने स्मॉल बी, एंगल सी के सामने स्मॉल सी, स्मॉल लेटर से हम लोग क्या करते हैं साइड बताते हैं, कैपिटल लेटर से हम क्या करते हैं एंगल बताते हैं, ओके इस तरीके से कोई ट्रायंगल होता है। अब यहाँ पर इनके बीच में साइन रूल से रिलेशन क्या है, साइन रूल क्या बोलता है, ये ए अपॉन इस एंगल का साइन, समझ में आ रहा है, फिर बी अपॉन इसका, ये बी अपॉन साइन ऑफ एंगल बी, सी अपॉन साइन ऑफ एंगल सी। अच्छा इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, साइन ए ऊपर स्मॉल ए नीचे, साइन बी ऊपर स्मॉल, ये मतलब आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कर सकते हो, समझ में आ गया। अब ऐसा ही कोसाइन रूल होता है, ये क्या है कोसाइन रूल, एकदम ध्यान से देखो कोसाइन रूल क्या बोलता है कि कॉस यूज करेंगे,
किसी भी ट्राइंगल में कॉस यूज करेंगे। तो ये इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, देखो कॉस लिखने दे, कॉस ए, यहां पर एक साइक्लिक फॉर्म याद रखना, ए बी और सी, एकदम याद रखो ए बी सी। अगर कॉस ए बोला तो ए के बाद क्या आता है, बी और सी आता है, तो आप बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखना। ए बोला तो ए के बाद क्या आता है, बी और सी, उसमें से माइनस करना, जो ए है ना उसका स्क्वायर माइनस करना, अपॉन क्या करेगा टू, ये ए है ए को छोड़ के क्या था बी सी उससे। तो कोई भी एंगल होगा तो ऐसा कोसाइन रूल का फॉर्मूला बना सकते हैं साइक्लिक फॉर्म से, वैसे ही कॉस बी का कर सकते हैं, कॉस सी का भी ऐसे ही कर सकते हैं। इसी तरीके से एक प्रोजेक्शन रूल होता है, थोड़ा यहाँ टाइम लग रहा है भाई ट्रिगो वाले में, थोड़ा सा अच्छे से बताना चाहिए। यहाँ पर भी बेटा देख वैसे ही होगा कि ए बी और सी इस तरीके से है। अगर मुझे बोल दिया प्रोजेक्शन रूल में ए चाहिए, ए, अरे क्या चाहिए हमें, ए चाहिए, तो ठीक है ना, ए चाहिए तो चिल्लाता क्या, ये ले, ए के बाद बी, ए के बाद क्या था बी, उसके बाद क्या था सी, ए के बाद बी उसके बाद सी, फिर दोनों में कॉस लिखने का, कॉस लिखने का, ये जो सी था ना वो कैपिटल में यहाँ दे, ये बी था वो कैपिटल में यहाँ दे। तो ये प्रोजेक्शन रूल ऐसे बना सकते हैं ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए साइक्लिक फॉर्म में। चल बेटा आगे बढ़ते हैं, अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल देख, अभी ये सब है ना एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन, ये डिलीट हो चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा बेसिक याद करके रख ले, ये सब डिलीट हो चुके हैं, एप्लीकेशन है नहीं आना चाहिए, लेकिन समझो सी टी सेल मदहोश हो गया, दे दिया तो नहीं देगा वैसे भी, वन अपॉइंट टू ए बी साइन सी, समझ में आ रहा है। ये क्या है, कोई भी ट्राइंगल का एरिया है, कोई दो साइड लेने का ए बी और तीसरे एंगल का साइन और हाफ, ऐसे कर सकते, या तो बी और सी साइड ले रहा है तो उसका तीसरा एंगल ए का साइन और हाफ, ऐसे कर सकते हैं। एक हीरो फॉर्मूला होता है, क्या होता था, रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस, ये डिलीटेड है, इसको छोड़ दो, इसको मत करना, ठीक है। ये भी नेपियर एनालॉजी नहीं करना है, हाफ एंगल फॉर्मूले वगैरह जितने थे नहीं करना है। ये देख लो इसके अंदर y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो एक्स क्या होगा, एक्स क्या होगा, साइन इस तरफ आया तो साइन इनवर्स वाई, तो ये इनवर्स का एक कंसेप्ट होता है जो आपको याद रखना है। ओके, अब इसके लिए बहुत सारे फॉर्मूले है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है, ये काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको याद करके रखो, मैं तुमको बताना चाहता हूं। देखो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, कोई जाएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं। ओके देखो बेटा y इज इक्वल टू, देखो साइन इनवर्स जो होता है ना, साइन इनवर्स, इसके अंदर ये जो x है वो उसका डोमेन, x की वैल्यू को डोमेन बोलते हैं, y की वैल्यू को रेंज बोलते हैं, x की वैल्यू को डोमेन बोलते हैं, y जो है एंगल आएगा। अब ये जो रेंज है इसको हम लोग प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू के फॉर्म में याद रख सकते हैं, एक मिनट, हाँ प्रिंसिपल, अरे भाई लिखने थे, एक मिनट हाँ बेटा, इसको हम लोग प्रिंसिपल, कुछ प्रॉब्लम हो गया इसको, चलो कोई बात नहीं, रुको एक मिनट बेटा, ये प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होती है रेंज की वैल्यू। तो साइन इनवर्स होगा तो माइनस 90 और 90 के बीच में ही आना चाहिए उसकी वैल्यू, साइन इनवर्स की वैल्यू, समझ में आ रहा है। कोसेक इनवर्स की वैल्यू भी वही रहेगा, माइनस 90 से 90 के बीच में, बट जीरो नहीं होना चाहिए कोसेक इनवर्स, कॉस इनवर्स होता है जीरो और पाई के बीच में होना चाहिए, सेक इनवर्स भी वही होगा जीरो और पाई के बीच में, बट 90 नहीं होना चाहिए सेक इनवर्स। अच्छा ये टैन इनवर्स है ना, वो साइन इनवर्स जैसा रहता है, टैन इनवर्स ये माइनस 90 से 90 है, ये भी वही है बट इक्वल नहीं रहेगा, देखो इक्वल नहीं है, ये माइनस 90 और 90 के बीच में रहेगा, इसको इक्वल नहीं रहेगा। साइन इनवर्स माइनस 90 और 90 को इक्वल भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, वैसे ही कॉट इनवर्स कॉस को सेम होता है, जैसे ये जीरो और पाई के बीच में होना चाहिए, ये भी जीरो और पाई के बीच में, बट ये जीरो और पाई को इक्वल भी हो सकता है, ये इक्वल नहीं होगा, ये प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होती है। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से आने वाला है, तो उसमें ये बड़े काम की चीज होती है, अगर कोई आंसर ऐसा आ रहा है जो इस रेंज से बाहर आ रहा है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू से बाहर आ रहा है, तो आप उसको नहीं कंसिडर करोगे, उसको चेंज करोगे ताकि वो इस रेंज के अंदर बैठ जाए वैल्यू, समझ में आ रहा है, ऐसा हमने कई बार क्वेश्चन किया हुआ है। चलो अभी कुछ इनवर्स की प्रॉपर्टीज होती है जो आपको याद होना चाहिए, क्या प्रॉपर्टी थी, साइन अंदर है बाहर साइन इनवर्स है, कैंसिल होके थीटा आ जाएगा, वैसे ही अगर साइन इनवर्स अंदर है साइन बाहर है तो भी कैंसिल होके ये एक्स आ जाएगा, ये बेसिक प्रॉपर्टीज है। बैटरी चेंज कर रहे हैं, यस चेंज करिए, यस हो गया, यस हो गया, चेंज कर दिया भाई, यस घाबरू नका, धनराज मंतो छत्रपति शिवाजी महाराज संभाजी महाराज पाटी शिया, घाबरू नका मुलानो, घाबरू नका, ओके घाबरू नका, बगा 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 बगा, जर बाहर अगर कॉस इनवर्स से अंदर कॉस है कैंसिल हो गया थीटा समझ लो, ऐसे सबको करना। एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो भी हम देखते हैं, यहाँ पर सारी प्रॉपर्टी वही है कि अगर अंदर सेक इनवर्स बाहर सेक है तो गायब होकर एक्स आएगा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक,
ये अभी एक वन अपॉन में होता है बेटा प्रॉपर्टी कि अगर समझो यहां पर साइन इनवर्स वन बाई एक्स है, ओके, तो ये वन अपॉन हटाया एक्स कर दिया तो साइन इनवर्स को कोसेक कर सकता है। वैसे ही कॉस इनवर्स वन बाई एक्स है, वन बाई हट गया तो ये सिर्फ कॉस हो गया, कॉस का सेक हो गया, तो ऐसे उल्टा कर सकते हैं, टैन इनवर्स का कॉट इनवर्स हो जाएगा। अच्छा निगेटिव, निगेटिव में क्या होता है, देखो देखो निगेटिव में ये साइन इनवर्स टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स ये सब पचा नहीं पाते, ये माइनस टुपुक करके बाहर आता है, टुपुक 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 करके बाहर आ जाता है माइनस। लेकिन कॉस इनवर्स याद है ना, कॉस थीटा, कॉस जो है माइनस को खा जाता था, याद करो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस खा जाता था कॉस और सेक। तो ऐसे में क्या होगा, देखो यहाँ पर कुछ बातें होती है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो ये क्या करेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स हो जाएगा, याद रखना इसमें इनवर्स में, सेक इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस सेक इनवर्स हो जाएगा, सेम कॉट के साथ भी होता है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स है पाई माइनस कॉट इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स के कुछ फॉर्मूला थे, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इनवर्स के यार, कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स को प्लस किया तो 90 होता है, टैन इनवर्स कॉट इनवर्स को प्लस किया तो 90 होता है, सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स को प्लस किया तो 90 होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और यहीं पर देखो ये फॉर्मूला टैन इनवर्स का, इससे भी रिलेटेड काफी क्वेश्चन पीवाईक्यू में हमने देखे थे कि अगर टैन इनवर्स एक्स है टैन इनवर्स वाई है, ओके, याद रखना तो दोनों का टैन इनवर्स एक बार लिखना, फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ये एक्स और वाई को प्लस करना एंड अपॉन वन माइनस एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करना, अगर यहाँ पर माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये एक तरीका है इसको याद रखना, ओके। नेक्स्ट ये एक फॉर्मूला है याद रखना, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर है तो इसका आंसर 2 टैन इनवर्स x आता है, अगर कॉस इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर है इसका आंसर 2 टैन इनवर्स x आता है, 2 टैन इनवर्स x का ये टैन इनवर्स में भी आंसर आता है 2x अपॉन 1 माइनस x, देखो ये प्लस होगा तो साइन इनवर्स है, माइनस होगा तो टैन इनवर्स है, ये भी तीन प्रॉपर्टी जो आपको याद रखना है। देखो कुछ ऐसी वैल्यूज है जिसको आप याद रख सकते हो, स्टैंडर्ड वैल्यूज, ओके, जैसे कि साइन 15 या कॉस 75, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, बिना सॉल्व किए कभी ऐसा क्वेश्चन में आ गया डायरेक्ट वैल्यू है, इसको याद रख सकते हो, अगर आपका चैप्टर तैयार हो गया तो कुछ शॉर्टकट से जो याद रखोगे तो अच्छा है। साइन 15 रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 होगा, तो ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आप कर सकते हो। कॉस 15 और साइन 75 है, इनकी वैल्यू ये माइनस की जगह प्लस होता है, रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट, वैसे ही टैन 15 होता है 2 माइनस रूट 3 पर कॉट 15 होता है 2 प्लस रूट 3। कुछ वैल्यूज है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में याद रखो, ये बहुत काम आते हैं। साइन 18 जैसे 15 तरफ से 18 रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 कॉस 72 और इसकी वैल्यू सेम होगी, तो इस तरह से कुछ वैल्यूज जो है आप याद करके रख सकते हो। ये पूरा पीडीएफ में आपको दे दूंगा, टेंशन मत लेना, ओके। चलो इस चैप्टर को हमने किया खत्म, क्योंकि देखो यहाँ पर अभी लगभग 54 मिनट हो चुके हैं, तीन ही चैप्टर हुए, ऐसे चलेगा तो कैसे होगा, 25 चैप्टर है, टेंशन ना लो, ये कुछ बड़े बड़े चैप्टर्स है जो हम कर रहे थे, धीरे धीरे छोटे छोटे चैप्टर्स भी है जिसमें कम टाइम लगेगा, ओके। भाई निकलना नहीं, निकलना नहीं, कोई जाएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं, सब दोस्तों को बोलो आ जाओ बेटा आ जाओ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तुम तो डरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, तुम तो डेरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को निकल जाओगे, ए भाई कोई जाएगा नहीं, परदेसी बनना नहीं, ये साथ है निभाना है छोड़ना नहीं है, ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन करेंगे, ओके ऑल माय परदेसीज, चल भाई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये बड़ा अच्छा हो गया, इसके अंदर से काफी चीजें डिलीट हो गई है, जो पढ़ना है उसके ऊपर ध्यान देना, फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट इक्वेशन एंड सेपरेशन ऑफ इक्वेशन फ्रॉम अ गिवन इक्वेशन, तो भाई आज नाइट मारो, नाइट मारना रहे, यस 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 यस, एकदम एकदम एकदम, ये सोचो कि तुम्हारा रिवीजन हो रहा है, तुम खुद बैठ के पढ़ रहे हो, मैं बता रहा हूं तुमको, माइंड में सब आ रहा है, तुम्हारे साथ मैं हूं, अब तुम बोलोगे सर ये तो हमारे पास मतलब हमने साल भर किया है, हाँ तो ठीक है ना, भूल गए थे तो ये मत सोचना कि सर पढ़ा देगा तो फिर बाद में हम पढ़ेंगे डबल टाइम, नहीं नहीं ये तुम्हारा ही प्रिपरेशन चालू है, रिवीजन चालू है, समझ गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ये है कि कोई भी आपको इक्वेशन दिया होगा, दो इक्वेशन कंडीशन दी होगी, दोनों का ज्वाइंट इक्वेशन, शादी कराना है, शादी कराना है, या तो किसी की शादी हुई होगी उसका तलाक करा देना है, समझ में आ रहा है, तलाक करा देना है, इसको बोलते हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ ज्वाइंट इक्वेशन एंड सेपरेशन ऑफ इक्वेशन, सेपरेशन मतलब तलाक कर देना, तो ऐसा एक क्वेश्चन आएगा बेटा, ऐसा एक क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन इसके ऊपर है कि कोई भी दो लाइन के स्लोप है अलग अलग, देखो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब सीधा समझो
कि दो लाइन है यार, दो लाइंस की जोड़ियां हैं इस तरह से, या दो लाइन है ऐसे, इन दोनों की पेयर है। अब दोनों लाइन का समझो स्लोप हमें दिया है, तो उनका सम और प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमें मालूम है, एम वन प्लस एम टू, एम वन इंटू एम टू, वो एक तरीका। और एक है एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन का टैन थीटा का फॉर्मूला होता है स्लोप का, याद करो, तो टैन थीटा से निकाल सकते हैं। तो भाई यहां भी आपको कोई भी दो लाइन है उसके बीच में जो अक्यूट एंगल है वो निकालने बोलेगा, तो तुम टैन थीटा के फॉर्मूले से कर लोगे, मॉड एम वन माइनस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, एम वन प्लस एम वन एम टू, ये था वो, अभी बताऊंगा मैं। या तो कोई भी दो इस तरह से लाइन के स्लोप दिए उसका रिलेशन वगैरह निकालने बोलेगा, एक स्लोप दिया एक नहीं दिया है वैसा, एक स्लोप दूसरे का चार गुना है, दोनों को प्लस करने पर इतना आता है, ऐसा कुछ तो कंडीशन रहेगा। तो भाई ऐसे दो तीन क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। और कभी कभी ना ज्वाइंट इक्वेशन निकालने के लिए ज्यादा बोलता है कि ज्वाइंट, तो ऐसे तीन क्वेश्चन यहां से पूछ सकते हैं। अच्छा यहां पर देखो, ये जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, ओके, टू रिप्रेजेंट, ये डिलीट हो चुका है, इसमें से ये डिलीट हो चुका है सेकेंड, इसमें सिर्फ होमोजीनियस जो इक्वेशन है, ओके, जो ओरिजिन से जाते हैं वही है, तो आधा काम तुम्हारा टेंशन खत्म हो गया, क्योंकि ये लास्ट वाला टॉपिक में ज्यादा सीटी में आते थे, अब वहां से नहीं आएंगे। मतलब बोलना क्या चाहते हो सर? देख बेटा कि कोई भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, बराबर है। ये होमोजीनियस पासिंग फ्रॉम ओरिजिन रहता है कि दो लाइनें दोनों ओरिजिन से जा रही, ओके। इसके बाद जो सेकेंड डिग्री रहता है ना, वो लंबा चौड़ा इक्वेशन वो नहीं है यहाँ पर, समझ में आ रहा है? तो वो आपको करना भी नहीं है, आगे देखते हैं। अभी यहाँ पर स्ट्रेट लाइन जो 11th का चैप्टर है उसका भी रिवीजन हम करेंगे स्ट्रेट लाइन के साथ यहाँ पर, ओके। फन फैक्ट, यू वॉच योर मोबाइल स्क्रीन, यस यस यस। देखो एक बार एक लड़का रहता है, उसका एम है ना कुछ अलग ही रहता है। अभी सोविन सर क्या है, बाबू को लेके आते, बताए सोविन सर का बाबू, मैं कल देख रहा था सोविन सर के लेक्चर में काफी था, सोविन सर का बाबू ऐसा रहता है बाबू, तो भाई अपना भी यहाँ पर है, अपना बंडू है, बंडू, ये बंडू है। अभी बंडू है ना इतना, मतलब इतना ऐसा लड़का है ना, मतलब एकदम लाइफ में एकदम चिल, एकदम चिल, कुछ टेंशन नहीं। उसको एक ने पूछा, अरे क्या बोलता है, पढ़ाई उड़ाई क्यों नहीं करता है? बोलता है तुमको क्या लेने देना है, बड़े होके क्या करेगा, शादी करूंगा। अरे ये सब नहीं बोल रहा, अरे तू मतलब तेरा लाइफ में एम क्या है? बोलता है लाइफ में एक सुंदर पत्नी पाना। अरे ऐसा नहीं रे, तू अपने माँ बाप को क्या गिफ्ट करेगा, पोते पोतियां गिफ्ट करूंगा। अरे बाबा तेरा क्या सूरी उधर ही अटक गया है क्या, हाँ माँ बाप के लिए क्या लाएगा, क्या बहू लाऊंगा। तो दो देता पट पट, इसका दिमाग में खाली एक ही भरा हुआ है। तो भाई ऐसा बंडू कभी मत बनना, ऐसा बंडू कभी मत बनना, समझ में आ रहा है? तो अपना जो एम है, यस, आपका जो एम है वो क्लियर होना चाहिए, शादी को छोड़ के बाकी सब एम बना, ओके। शादी अपने आप हो जाएगी, वो तो सबकी होती है। चल बेटा देख, अभी यहाँ पर स्ट्रेट लाइन के लिए कुछ चीजें जाननी चाहिए आपको। सबसे पहले टू पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट, ये सब आपको पता है। पहले स्लोप पॉइंट फॉर्म की बात करेंगे, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन होता है। टू पॉइंट फॉर्म होता है वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, या वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, आगे पीछे भी घुमा के दूसरा भी तरीके से लिख सकते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन, 11th के अंदर भी ये चैप्टर है, याद रखना। एक नॉर्मल फॉर्म होता है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, एक जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये क्या आता है, किसी भी स्ट्रेट लाइन का ये होता है, किसी भी स्ट्रेट लाइन का ये होता है, समझ गए? ओके यहाँ पर आ जाओ, कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन है बेटा, कोई भी स्ट्रेट लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ओके। ये इस तरह से कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन का अगर मुझे स्लोप चाहिए तो माइनस ए अपॉन बी होता है, ये जो है ना माइनस ए अपॉन बी। एग्जाम्पल के लिए सपोज मैंने बोला 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, मैं बोलूँ इसका स्लोप निकालो, तो माइनस ए मतलब माइनस 3 अपॉन 4, ये इसका स्लोप आ गया सीधा सीधा। अगर मैं बोलूँ इसमें कि y इंटरसेप्ट चाहिए, x इंटरसेप्ट चाहिए, तो ये माइनस सी अपॉन ए करेगा, समझ में आ रहा है? अगर y इंटरसेप्ट चाहिए तो माइनस सी अपॉन बी करेगा। ये कुछ बेसिक चीजें होती है याद करने का। कभी कभी क्या होता है कि दो लाइन दी होती है, बोला होता है कि एक लाइन जो है वो दूसरे लाइन को पैरेलल है, तो दो पैरेलल लाइन होगी ना उनका स्लोप सेम होता है। इफ यू हैव टू पैरेलल लाइन स्लोप इज 2, इसका भी स्लोप 2 होगा। इफ यू हैव टू परपेंडिकुलर लाइन इट्स स्लोप इज 1/2, देन इसका स्लोप इसका रेसिप्रोकल होगा 2/1 और माइनस होगा। कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइन में इनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, ये चीजें याद रखने का। कोई भी दो लाइन है उसके बीच में अगर तुमको बोला एंगल बताओ टेन थीटा,
तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होता है, याद रखने का। लाइन्स आर पैरेलल, स्लोप्स आर इक्वल, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज माइनस 1, ठीक है। अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो y इज इक्वल टू एम एक्स, इस तरह से ये होता है यहां पर, ठीक है। अभी यहां पर एक है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला, कोई एक पॉइंट है उसका डिस्टेंस निकालना है किसी एक लाइन से, तो भाई ये जो लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसमें x और y की जगह ये पॉइंट रखने का, सपोज ये 3 4 है तो x की जगह 3 और y की जगह 4 रखने का, और ये इतना होगा, ये अपॉन में ये जो a और b है उसका स्क्वायर करके प्लस करना, स्क्वायर रूट ले लेना, ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरेलल लाइन। तो इसका फॉर्मूला क्या है, कोई दो पैरेलल लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू, अगर ये पैरेलल लाइन है इसकी स्टार्टिंग के ये दोनों पार्ट सेम होंगे, ये दोनों पार्ट सेम होंगे, सी वन सी टू अलग होगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, इस सी वन में से सी टू को माइनस करना, सी टू माइनस सी वन किया तो भी चलेगा, और ये जो एक्स और वाई के साथ ए बी थे दोनों में सेम है उनका स्क्वायर करके प्लस करना। तो ये काफी इजी चीज है, वेक्टर लाइन एंड लाइन, घंटा हो चुका है हमारा स्क्रीन जो है हैंग हुआ है, रुको वापस लेके आते हैं हम लोग। यस 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 यस, जनरल सोल्यूशन में तलाक वाला, यस 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 भाई, बच्चे कम हो रहे, कोई कम नहीं होएगा, कोई जाएगा नहीं, कोई सोएगा नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ओके, कोई जाएगा नहीं। यस, कहाँ गया भाई, ओ रे लास्ट पेज आ गया, ओके ओके दादा, हाँ एक मिनट, हाँ आ जाएगा डायरेक्ट, ज्यादा पेज नहीं हुआ है, एक मिनट, अच्छा यहाँ 50 लिख दो, यस चलो ये आ गया हमारा जो चालू था, ओके ये हो गया था क्या, चलो ये चालू था, ये भी हो गया था, यस ये भी हो गया, ओके अभी कंबाइन इक्वेशन और अभी स्ट्रेट लाइन, अभी जो हम कर रहे थे 11th का स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट कर रहे थे अभी तक जो कर रहे थे, अभी कंबाइन इक्वेशन निकालते, कंबाइंड इक्वेशन एकदम ध्यान से देखना दादा, कंबाइंड इक्वेशन यानी जॉइंट इक्वेशन होता है, कोई भी दो लाइन से उसका जॉइंट इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन के ऊपर ही फोकस करना इस चैप्टर के अंदर, ओके जो होमोजीनियस इक्वेशन नहीं होगा, जो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है वो डिलीट हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये दो लाइन का जोड़ी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है, इसके अंदर ए और बी अगर इनको प्लस करके जीरो आ जाए, मतलब समझ जाना कि इसके अंदर जो दोनों लाइन है बेटा, इसके अंदर जो दोनों लाइन है वो परपेंडिकुलर है, अगर ये ए और बी को प्लस करके जीरो आ गया तो ये दो लाइन के दोनों के स्लोप होंगे, एक एम वन ले सकते हो, एक एम टू ले सकते हो, दोनों का जो स्लोप होगा उसको अगर मैं प्रोडक्ट प्लस करता हूँ तो माइनस टू एच अपॉन बी आता है, ये जो टू एच है माइनस टू एच अपॉन बी आएगा, एम वन प्लस एम टू अगर इन लोग का मल्टीप्लाई करते हैं एम वन और एम टू तो ये ए अपॉन बी आता है, तो याद करना ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दोनों का रिलेशन एम वन प्लस एम टू और एम वन इंटू एम टू, अगर ये दोनों लाइन के बीच में अक्यूट एंगल निकालना है हमें ये थीटा, तो ये कैसे आता है, टैन थीटा होता है टू रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले से आप एंगल निकाल सकते हो अगर पूछ दिया तो, समझ में आ रहा है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है इस तरह से तो सिर्फ इसके इक्वेशन से पता कर सकते हैं, ए एच और बी निकाल लो, एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर जीरो है, एच स्क्वायर माइनस ए बी जीरो है तो हम बोलते हैं कि इसके अंदर जो लाइन है वो पैरेलल है, और मैंने जैसे बताया कि अगर दोनों का ए प्लस बी किया, ए प्लस बी अगर जीरो आ रहा है तो लाइंस परपेंडिकुलर है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन तो ये है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से काफी ज्यादा प्रैक्टिस हमने की थी, आपको याद आ रहा होगा, ओके ये जो एंगल है वो हमने लिख दिया, वही चीज रिपीट है यहाँ पर, ओके यहाँ पर और भी कुछ चीजें हैं अगर आप देखना चाहो तो, कि पहले तो कोई भी दो लाइन के बीच में एंगल चाहिए तो ये करने का, अब यहाँ एच और ए बी कैसे आएगा, जो इक्वेशन होता है ना, जैसे कि समझो है 2x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ऐसा कोई इक्वेशन है, अगर ये इक्वेशन है तो ये a होता है, a 2 है, यहाँ पर h की वैल्यू 2h 6 है तो h की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 2 है और ये b की वैल्यू 3 है, इन वैल्यूज को यूज करके यहाँ पर हम एंगल निकाल सकते हैं, और परपेंडिकुलर लाइन मैंने बताया a और b प्लस करो, ये 2 3 प्लस 0 आ रहा है क्या, नहीं, अगर 0 आता तो परपेंडिकुलर होता, ओके अच्छा पैरेलल के लिए ये एक कंडीशन है, और एक कंडीशन है कि बी जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर, लेकिन अब ये डिलीटेड है, वो हमारे पास वो वाला इक्वेशन नहीं है, कौन सा इक्वेशन, इस जो ओरिजिन से नहीं जाता ना, काफी लंबा चौड़ा इक्वेशन होता है, वो नहीं पढ़ना, इसलिए वो कंडीशन मत देखो,
ठीक है, ये डिलीटेड है, ये जो आगे है चलो वो नहीं करना है। चलो अभी हम लोग पांचवे चैप्टर पे आते, चार चैप्टर हो चुका, वेक्टर्स करेंगे, वेक्टर्स चार चैप्टर हो गए, वेक्टर्स करेंगे। सर देखो जरा लैग तो नहीं हो रहा है? यस, पानी दे दो जरा कुछ तो। यस सब लोग आ गए, डीजे आलोक, डीजे आलोक आया, क्या बोलते है? राम सिया राम, जय सिया राम, शिंचन राम, ओके शिंचन बोल रहा है, राम सिया राम, ओके ओके। 1.5 संपला आता ने हॉटस्पॉट के लिए, अरे हॉटस्पॉट के लिए भाई, एक घंटे में पांच चैप्टर हुआ है, रुको रुको जल्दी करेंगे। कोई जाएगा नहीं, अपने दोस्तों को बुलाओ, किधर गए वो झोपले गाते हैं, रात्री से दहा वाजले आणि आपली मुलं गेली कुठे? आता दोन दिवस आहेत, झोप उडाली पाहिजे भाई, नींद उड जानी चाहिए। एग्जाम के बाद तो मजे ही मजे है, एग्जाम के बाद फुल एंजॉय है, वो है कि नहीं? सोना है, खाना पीना है, आराम कर लेना जितनी चैटिंग करनी है, लेकिन ये दो दिन पूरे डेडिकेशन से दे दे, तेरा जब भी पेपर है ठीक है। अभी इसके पहले जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन था उसके अंदर और भी कुछ देख चीजें देख लेते यार, कि यार अगर कोई याद करो, ये था ax square प्लस 2hxy प्लस by square इक्वल टू 0। याद करो एक चीज ऐसे था कि अगर कोई, ये दो लाइन है इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइंस थी, तो हम लोग क्या करते थे, द लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू दीज लाइंस, उनका इक्वेशन क्या था, ये b पहले आ जाता था, ए बाद में चला जाता था, है ना, बी एक्स स्क्वायर, फिर ये ए वाई स्क्वायर हो जाता था, और ये प्लस होता था, ये माइनस टू एच कर देते थे, है ना, इस तरीके से ऐसे करते थे। तो ये कुछ शॉर्टकट्स थे, ऐसे शॉर्टकट्स और भी बहुत सारे शॉर्टकट्स थे हम लोग यूज करते थे, ऐसे करते थे, वाई स्क्वायर माइनस एम वन प्लस एम टू एक्स वाई प्लस एम वन एम टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये क्या था, जब हमें कंबाइंड इक्वेशन निकालने के लिए बोला जाता था। देखो एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, जब कोई समझो दो कंडीशन दी है कि दो लाइंस हैं, दोनों का कंबाइंड इक्वेशन निकालना है, तो हम क्या करते हैं, उनके जो स्लोप्स होते हैं ना, उनके स्लोप्स का सम लेने का, प्रोडक्ट लेने का, यहाँ पे रख देने का, इससे क्या होगा, सीधा आपको ज्वाइंट इक्वेशन दे देगा या कंबाइंड इक्वेशन दे देगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए थे, ओके। पांचवें चैप्टर में हम लोग आगे जाते हैं, सब लोग आ जाओ, कोई जाएगा नहीं, यस यस, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय महाराष्ट्र, गणपति बाप्पा मोरिया, उद्या गणपति बाप्पा जाणार आहेत, ओके, विसर्जन साठी, ओके। यहाँ पर मैं बहुत मतलब टेंशन में था, पिछले 6-7 दिन से मुझे मौका नहीं मिल रहा था कि यार मैं कैसे क्या करूं। मुकेश सर भी मैराथन ले रहे हैं, सोविन सर भी मैराथन ले रहे हैं, मैं कैसे क्या करूं, ओके। लेकिन मैंने बोला नहीं, रात को मैराथन लूंगा, कल भी कोशिश करूंगा, ओके। कैसे मैं सो जाऊं इतने जल्दी बड़े आराम से, अरे कैसे मैं सो जाऊं इतने जल्दी बड़े आराम से, मेरे ख्वाब जो इतने बड़े हैं, मैं सो नहीं पाऊंगा आराम से, बेटा मैं सो नहीं पाऊंगा आराम से। तुम कैसे सो गए आराम से, मतलब तुमने कोई ख्वाब देखा नहीं था, कोई सपने देखे नहीं है जिसे तुम्हें पूरा करना है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि यार वो कैसे सफल हो गया, कैसे सक्सेसफुल हो गया, कुछ ये बोलते, अरे भाई तुम जब रात रात को दिन भर सोते थे, तब वो दिन रात 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 दिन दिन मेहनत करता था, तभी वो आज सफल हुआ है, समझ में आ रहा है। और आज तुम उसे देख रहे हो उस सफलता की ऊंचाई पर, लेकिन क्या तुमने इसके पैरों के छाले देखे कि उस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए उसने कितनी तपस्या की है? बिल्कुल नहीं। हम दूसरे को देखते हैं लेकिन खुद को अप्लाई नहीं कर पाते। तो भाई सो मत जाना, तेरे ख्वाब बहुत बड़े हैं, तू सो मत जाना, ओके। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, कोलिनियरिटी, कोप्लेनियरिटी ऑफ वेक्टर्स, सेक्शन फॉर्मूला, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, डायरेक्शन एंगल डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस। इसमें से भी कुछ चीजें डिलीटेड है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट डिलीटेड है, वो नहीं करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये हमें करना है। तो एक एक करके देख लेते हैं भाई, एक एक करके देख लेते हैं, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत मजेदार है। ट्रायंगल लो आपने 11th में फिजिक्स में भी पढ़ा था, स्केलर्स एंड वेक्टर्स में क्या था वो,
कि भाई यहां पर देख लो कि अगर कोई एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, इन दोनों को प्लस करना है ए बार और बी बार को, तो यहां से ये ज्वाइन कर देने का, ये होता है ए बार प्लस बी बार, ये क्या हो गया ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। बट बाबा ऐसा कुछ क्वेश्चन इतना इजी वाला नहीं आएगा, इलेवेंथ का कंसेप्ट रिवाइज हो रहा है। पैरेललोग्राम क्या होता है, एक वेक्टर ऐसा है एक वेक्टर ऐसा है, इसको इसको पैरेलल कैसे करते थे हम लोग यार, इसको पैरेलल ऐसे ड्रॉ करते थे, इसको पैरेलल ऐसे ड्रॉ करते थे, यहां से ये पैरेललोग्राम लॉ, ये ए बार बी बार है तो ये डायगोनल जो है ए बार बी बार आता था। ये सब इलेवेंथ के कंसेप्ट है बेसिक से थोड़े। अब देखो कोई भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आपने हमेशा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पढ़ा है, अगर ओरिजिन से करना है तो। मतलब आपको कभी कोई एक पॉइंट ऐसे बोला कि ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो इस पॉइंट ए का जो एक्स वन वाई वन जेड वन है, तो आप क्या करोगे, रूट डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड वन या जेड है क्योंकि ये माइनस करते ना, यहाँ सब जीरो जीरो है, जीरो जीरो जीरो, तो वही आएगा। लेकिन समझो कि ओरिजिन से नहीं बोले, कोई दो पॉइंट है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बोले, तो दोनों के जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको माइनस कर दो, एक्स टू माइनस एक्स वन द होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन द होल स्क्वायर, जेड टू माइनस जेड वन द होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट लो, आपको उसके बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस को पॉजिटिव रखना हमेशा। तो ये डिस्टेंस था, कोलिनियर वैक्टर अगर होते हैं तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, अगर ए बार और बी बार एक ही लाइन में तो उनके साथ एक कोई स्केलर मल्टीपल होगा। ओके, या तो कोई दो वेक्टर ए बार है उनके साथ स्केलर मल्टीपल एक्स एक्स और वाई है तो उनका जो सम है वो जीरो होगा, या तो कोई भी दो कोलिनियर वेक्टर्स है ऐसे, तो आप इनका ना डायरेक्ट रेशियो ले सकते हो, ए वन अपॉन बी वन, देखा ऐसे, फिर ए टू अपॉन बी टू, ए थ्री अपॉन बी थ्री ले सकते हैं। ऐसे में क्या होता है, कभी एक ऐसा क्वेश्चन आता है इसमें अननोन वैल्यू दी होती है और बोला जाता है कि जैसे ये अल्फा की वैल्यू निकालो या एक्स की वैल्यू निकालो, तो वो आप कर सकते हो यहाँ पर। ओके, अभी यहाँ पर है कोई भी थ्री पॉइंट्स है, ए बार बी बार और सी बार, अगर वो कोलिनियर है तो ये जो ए बार बी बार सी बार के साथ कोई स्केलर मल्टीपल एक्स वाई जेड वो लगा के उसकी वैल्यू जीरो होती है। ओके, अगर ये तीनों कोलिनियर है तो ठीक है, अगर कोई तीन पॉइंट कोलिनियर है तो जैसे ए और बी से मिला के ए बी बार बन गया, बी और सी से मिला के बी सी बार बन गया, अगर कोई दो लाइन कोलिनियर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। कोलिनियर है मतलब क्या, उनके एंगल बीच का एंगल जीरो है और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसमें साइन थीटा आता है, याद करो फॉर्मूले में अभी बताऊंगा, साइन जीरो जीरो होता है, इससे ये आ गया। अभी फटाफट देखेंगे हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, कि अगर कोई ए बार और बी बार है, ओके, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन निकालना है तो हम इनके साथ कोई भी स्केलर मल्टीपल लेते हैं, ओके, प्लस करते हैं और ये लीनियर कॉम्बिनेशन आता है आर बार, ये इस तरह से होता है। तीन जन होंगे तो एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार होगा, ये आएगा आर बार, इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्टर्स। कोप्लेनर अगर वेक्टर है, काफी इंपॉर्टेंट है, देखो कोप्लेनर वेक्टर है कोई भी वेक्टर से जो एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में ऐसे वेक्टर्स है ए बार बी बार सी बार, तो वो भी बिल्कुल जैसे कोलिनियर में ट्रीट किया था वैसे ही होता है, ए बार बी बार सी बार इनके साथ कोई स्केलर मल्टीपल है उनको प्लस करोगे तो जीरो आएगा कोप्लेनर वेक्टर्स को। ओके, कोलिनियर वेक्टर जो होते हैं वो कोप्लेनर होते हैं, लेकिन सबके सब कोप्लेनर वेक्टर कोलिनियर होंगे ऐसा नहीं है। ये सब रिविजन हो रहा है, सब आपको आता है, आपने पहले पढ़ा हुआ है। सेक्शन फॉर्मूला है, दो टाइप का होता है सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन। मान लो कि कोई ए से लेके बी तक लाइन है और इसमें कोई एक पॉइंट आर है जो एकदम बीच में कबाब में हड्डी बना हुआ है, तो ये जो आर है बेटा ये ए बी को इंटरनली एम इज टू एन रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इस आर का पोजिशन वेक्टर आएगा आर बार इज इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार। कैसे करेंगे, इस एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन कर देंगे। अगर यहीं पर इंटरनल के बदले एक्सटर्नल होता, एक्सटर्नल होता तो आप क्या करते, ये प्लस के बदले माइनस कर देते। ओके, अभी आएगा देखो यहाँ पर, यस एक्सटर्नल डिवीजन है तो खाली प्लस के बदले माइनस कर देना। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला, भाई अगर कोई इस तरह से ए और बी है, इसके बीच में कोई एक मिड पॉइंट है, तो ये जो मिड पॉइंट है सीधा ए और बी, ए बार बी बार अपॉन टू करेंगे, ये सब आपको आता है। ऐसे एक सेंट्रोइड फॉर्मूला होता है कि जिसमें कोई एक ट्राइंगल है, अगर इसका एक सेंट्रोइड जी है तो जी का पोजिशन वेक्टर आएगा जी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन थ्री। ये ए बी सी इसके थ्री वर्टाइजेस है, ए बी सी इन तीनों के पोजिशन वेक्टर को प्लस करके थ्री से डिवाइड कर देंगे। अगर कोई टेट्राहेड्रॉन है, टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, बेस में एक ट्राइंगल होगा ऐसे, यहाँ पर एक ऐसा कुछ होगा टेट्राहेड्रॉन,
ओके इस तरीके से इसके चार पॉइंट है ए बी सी डी, इसका अगर कोई सेंट्रोइड है जी बार तो जी बार क्या आएगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार सबका पोजीशन वेक्टर अपॉन फोर। तो ये सेंट्रोइड से वेक्टर में ट्राइंगल टेट्राहेड्रॉन में आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट है स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट और फिर क्या है क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये सारी चीजें आप पहले ही पढ़ चुके हो, थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं बेटा कोई दो वेक्टर होता है एकदम ध्यान से देख ए बार और बी बार, ए बार और बी बार इनका डॉट प्रोडक्ट होता है, इनका मैग्नीट्यूड लेते हैं ए बी और कॉस थीटा होता है, समझ में आ रहा है। अभी ये कॉम्यूटेटिव होते हैं कभी भी आगे पीछे कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में आगे पीछे नहीं कर सकते उसमें माइनस का फर्क होता है ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कॉस थीटा है थीटा अगर जीरो रहे मतलब पैरेलल है, पैरेलल है मतलब क्या हो जाएगा ए बार डॉट बी बार ए बी को सेम आ जाएगा कॉस जीरो वन होता है। अगर ये परपेंडिकुलर है कॉस 90 आ जाएगा, कॉस 90 क्या होता है जीरो, जीरो इंटू ए बी जीरो, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। यानी कि कोई भी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है ये जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के वन होता है, आई डॉट अगर अलग अलग है तो जीरो होगा, सेम सेम है तो वन होगा, ये डॉट प्रोडक्ट है। ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट होता है, अभी इसमें प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार होता है, देख यहाँ पर है ना ए बार ऑन बी बार बोला तो क्या करेगा मान लो प्रोजेक्शन इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना और ये जो लास्ट में है ना उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना, समझा उल्टा है कि b बार ऑन a बार है तो b और a का डॉट प्रोडक्ट करना, लास्ट में a बार है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। अगर कोई दो वेक्टर है बेटा a बार और b बार, ये दो वेक्टर है इनके बीच का एंगल निकालना है थीटा, तो cos थीटा कैसे निकालेगा ये a1 b1 का मल्टीप्लाई प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 का मल्टीप्लाई अपॉन फिर ये जो इसके कोएफिशिएंट है ijk उनका स्क्वायर करके प्लस करने का ओके, फिर ये जो दूसरे बी है उसके स्क्वायर करके प्लस करके जो है स्क्वायर रूट लेने का, तो ये ऐसे कॉस थीटा हम लोग निकाल सकते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, ये आपको सब मालूम है ए बार क्रॉस बी बार होता है, ये क्या होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा आता है, इसके पहले डॉट में कॉस थीटा था, ये वेक्टर है क्योंकि इसके आंसर में वेक्टर आता है, देखो यहाँ पर एन कैप दिया है आंसर में वेक्टर आ रहा है डायरेक्शन आ रहा है, इसलिए इसको जो ये है डॉट प्रोडक्ट अलग होता है वो पूरा स्केलर होता है, उसका आंसर नंबर आएगा, इसका आंसर में नंबर सिर्फ नंबर नहीं आएगा डायरेक्शन भी आएगा, इसलिए हम लोग ए बार क्रॉस बी बार है उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, जब मैग्नीट्यूड लेंगे ना तब ये एन हट जाएगा, समझ में आ रहा है। यहाँ पर कोई भी दो वेक्टर अगर पैरेलल है, अगर ए बार पैरेलल है बी बार को तो इसका क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा, अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होता था, पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा, तो इस तरीके से है, समझ में आ रहा है। चलो अभी क्रॉस प्रोडक्ट को कॉम्यूटेटिव नहीं बोलते, मतलब आगे पीछे नहीं कर सकते, ए बार क्रॉस बी बार है तो बी बार क्रॉस ए बार नहीं लिख सकते, डॉट प्रोडक्ट को लिख सकते हैं। साइन थीटा निकालना है तो ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड अपॉन ए बार मैग्नीट्यूड बी बार मैग्नीट्यूड होता है ओके, कोई भी वैक्टर परपेंडिकुलर है ओके, कोई भी वैक्टर परपेंडिकुलर से बी बार है, यूनिट वैक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार, देखो ए बार और बी बार को कोई परपेंडिकुलर यहाँ पर ऐसा है ओके, यानी कहना क्या चाहता है ये कि ये ए बार है और ये समझो ये a बार ये b बार है, इनको कोई एक यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो ये क्या होगा जो थर्ड वेक्टर होगा ना वो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आता है, a बार क्रॉस b बार आता है, ये वेक्टर आ गया। लेकिन अगर इसके अलग कोई यूनिट वेक्टर चाहिए n कैप, तो ये n कैप कैसे निकालोगे, ये जो आया है a बार क्रॉस b बार उसको उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, इसको इसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना ओके। तो इस तरह से होता है क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब क्या रक्षाबंधन करना, ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी है तो ए बार का बी बार के साथ क्रॉस हो गया, ए बार का सी बार के साथ क्रॉस हो गया ऐसे ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया, काफी चीजें हम लोग कर रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या था आई डॉट आई, डॉट किया आई का आई के साथ किया वन होता है, डॉट में आई का जे के साथ किया तो जीरो आता था, क्रॉस में ऐसा नहीं होता, क्रॉस में सेम सेम रहेगा ना तो जीरो आ जाएगा, आई आई जीरो, डॉट में क्या होता है वन होता है, क्रॉस में जीरो आ जाता है, क्रॉस में अलग अलग रहेगा तो क्या होता है साइकिल फॉलो होता है, आई जे के ऐसे साइकिल होता है, आई डॉट जे किया तो के आएगा, जे डॉट के आई आएगा, के डॉट ए आई जे आएगा, उल्टा किया तो माइनस में आएगा। अगर कोई दो वेक्टर ए बार और बी बार ऐसे दिए हुए हैं तो ए बार और बी बार का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या होगा डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पहले तो आई जे के लिखना, फिर ए वन ए टू ए थ्री लिखना, फिर b1 b2 b3 लिखना, अगर a बार और b बार का क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो उसको डिटरमिनेंट से सॉल्व करते हैं इस तरीके से। अगला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा ही, यहाँ पर मैंने डिस्कस नहीं किया इसमें से क्या आएगा भाई,
एक क्वेश्चन जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से आने वाला है, फिक्स आने वाला है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से एक क्वेश्चन आएगा, एक 3D से आएगा, डायरेक्शन रेशियो साइन वाला एक क्वेश्चन आएगा। होता क्या है कि अगर आपके पास तीन वेक्टर यहां पर है, ए बार है, बी बार है और सी बार है, ए बार बी बार सी बार, अगर तीन वेक्टर आपके पास है तो ये जो ए बार बी बार सी बार है इसका स्केलर ट्रिपल मतलब बॉक्स ऐसे लिखते हैं और करते क्या, डिटर्मिनेंट करेंगे तीनों के जो कोएफिशिएंट है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 ये ले लेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a बार डॉट b बार क्रॉस c बार, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a बार क्रॉस b बार डॉट c बार, तो भी चलता है इस तरीके से। समझ में आ रहा है? तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, बॉक्स प्रोडक्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर हमें कभी एरिया निकालना रहे किसी का, जैसे कि पैरेलल पाइप वगैरह या टेट्राहेड्रॉन वगैरह होता है, तो भी ये बड़ा काम आता है। कैसे काम आता है देखते हैं यहाँ पर। ओके, अच्छा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज है भाई। साइक्लिक फॉर्म याद रखो, साइक्लिक फॉर्म होता है ए बी सी इस तरीके से। ओके, ए बी सी अगर ऐसे साइक्लिक में चेंज करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब क्या है कि ए बी सी है, इसको बी सी ए किया चलेगा, सी ए बी किया चलेगा, लेकिन ए बी सी है उसको बी ए सी कर दिया, बी ए सी उल्टा कर दिया एंटी क्लॉकवाइज, तो एक माइनस आ जाएगा, वो सेम नहीं रहेगा बट निगेटिव रहेगा। अगर कोई इस बॉक्स के अंदर ए बार बी बार सी बार है, इसके अंदर अगर कोई भी दो सेम रहेंगे या पैरेलल रहेंगे तो इसका आंसर जीरो हो जाता है। कोई भी अगर दो जने सेम है तो आंसर जीरो आ जाएगा, कोई भी दो सेम नहीं रहना चाहिए। कब कब जीरो आएगा यहाँ देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द वैक्टर इज जीरो, कोई भी दो वैक्टर कोलिनियर रहे, कोई भी थ्री वैक्टर कोप्लेनर रहे, तो भी जीरो आता है। कोई दो सेम है तो समझ जाने का। अच्छा, यहां पर अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कभी कभी देता है कि कोप्लेनर से वेक्टर, कोप्लेनर से मतलब हम क्या करेंगे उसका बॉक्स प्रोडक्ट जीरो कर देंगे, बॉक्स प्रोडक्ट जीरो कर देंगे। पैरलो पाइप जो होता है, पैरलो पाइप इसकी वॉल्यूम की बात कर रहा था मैं, कि जो पैरलो पाइप होता है भाई, ऐसा एक बॉक्स होता है इस तरह से, इसके अगर वॉल्यूम को निकाला जाए, इसके अंदर कितनी जगह है, तो इसका को टर्मिनस एजेस देखने का। सपोज ये ए बार है, ये बी बार है, ये सी बार है, पॉइंट ए से समझो निकला यहाँ से, समझ में आ रहा है, या समझो ये ओ है कोई, तो ये जो को टर्मिनस एजेस है इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उस पैरलो पाइप का वॉल्यूम आ जाता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट नहीं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बॉक्स प्रोडक्ट, ए बार बी बार सी बार का बॉक्स प्रोडक्ट जो है पैरलो पाइप का वॉल्यूम देगा। क्या देगा? वॉल्यूम, वॉल्यूम। अगर टेट्राहेड्रॉन है, टेट्राहेड्रॉन कैसे होता है, कोई भी एक इस तरह का ट्राइंगल है, यहां से ऐसे अगर हम कर रहे हैं, इसके अंदर कितनी जगह है, तो यहां पर भी हमें ना बेटा, यहां पर ये तीन को टर्मिनस एजेस लेने चाहिए, ए बार बी बार सी बार। इसका जो बॉक्स प्रोडक्ट होगा उसका 1/6, याद रखो पैरलो पाइप है तो इसका वॉल्यूम सीधा इसका बॉक्स प्रोडक्ट आएगा, टेट्राहेड्रॉन है तो उसका वॉल्यूम क्या आएगा, बॉक्स प्रोडक्ट को 6 से डिवाइड करना। तो ये हो गया, काफी इंपॉर्टेंट था। अच्छा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कोई भी पैरेललोग्राम है इस तरह से, अगर मुझे इसका एरिया निकालना, दो तरीके से निकाल सकता हूँ। अगर समझो इसके एडजेसेंट साइड्स पता है ए बार और बी बार, तो इसका एरिया बड़ा आसान होता है, ए बार क्रॉस बी बार करो, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो, डिटरमिनेंट ले लो। लेकिन समझो ये नहीं पता है हमको, इसके डायगनल्स पता है, डायगनल्स अगर पता है, तो अगर हमें इसके डायगनल्स D1 और D2 पता है तो क्या करेंगे, डायगनल्स पता है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट करके हाफ करने का, डायगनल्स होगा एरिया निकालना है तो क्रॉस प्रोडक्ट करके हाफ करने का, और अगर साइड की ए बार और बी बार पता है तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट करके ही लेने का। भाई देखो इतने सारे हैं और ये खत्म हो रहा है, अब थोड़ा सा 3D का कंसेप्ट चालू हो रहा है, 3D का कंसेप्ट चालू हो रहा है, कुछ विकेट गिर चुके हैं। कोई जाओ मत यार, ये मत सोचो कि यार थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो तो मजा आए, एंटरटेनमेंट होगा बट सीरियसली क्या ये पूरा हो सकता है, पूरा बुक बहुत मुश्किल है। मैं कोशिश करूंगा जितना हो मुझसे अभी, क्योंकि आज मेरा हेडेक भी हो रहा है, सुबह से लेक्चर में ही हूँ और मतलब मजबूरी में मैंने रात को लेक्चर अरेंज किया है, लेकिन देखते हैं जितना होगा मैं करूंगा। ओके, अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 10:30 ही बजा, लेकिन जब तक होगा मैं करूंगा, कोशिश कर रहा हूँ बेटा। अगर मुझे लगा कि नहीं कर पा रहा हूँ यार, हेडेक ज़्यादा हो रहा है, तो मैं कल इसको कंटिन्यू करूंगा। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि मैं अपना 100% देने के लिए थोड़ा सा मतलब नहीं कर पा रहा हूँ, सुबह से बहुत थक गया हूँ, रात हो गई है, सुबह से काफ़ी लेक्चर लिए हैं, देखते हैं कल का दिन भी है अपने पास। डायरेक्शन एंगल की बात करते बेटा, डायरेक्शन एंगल क्या होता है, पहले तो ये देखो डायरेक्शन एंगल क्या होता है। देखो बेटा, ये x एक्सिस, y एक्सिस और ये z एक्सिस, ये ऐसे होता है। समझो कोई एक वेक्टर है इस तरीके से ओरिजिन से,
ओके ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर एक्स के साथ जो एंगल बनाता है अल्फा, इसको बोलते हैं डायरेक्शन एंगल ऑफ दिस वेक्टर विद एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस के साथ जो बनाएगा उसको बोलेंगे बीटा, और ये ऐसे, और ये जेड एक्सिस जो एंगल बनाएगा गामा। तो ये होते हैं डायरेक्शन एंगल्स अल्फा बीटा गामा, डायरेक्शन एंगल। एक होता है डायरेक्शन कोसाइंस, इन्हीं एंगल का अगर हम कॉस ले लेते कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, ये होता है एल एम एन, समझ में आ रहा है। और इनका अगर स्क्वायर करके प्लस किया जाए तीनों का तो आंसर आता है वन, याद रखना है, इन तीनों का स्क्वायर करके प्लस किया तो आंसर आता है वन। तो ये हो गया डायरेक्शन एंगल का कंसेप्ट, डायरेक्शन कोसाइन का कंसेप्ट। अभी ये जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं ये एल एम एन है, अगर कोई तीन ऐसे नंबर है जिनके साथ ये प्रॉपर रेशियो में है, कोई तीन नंबर है जिनके साथ ये रेशियो में है प्रॉपर, तो इनको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोस, ए बी सी क्या होते हैं डायरेक्शन रेशियोस, इस तरीके से होता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ रिलेशन है जो मैं भी बताना चाहूंगा कि भाई जो मैंने पहले बताया कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वन होता है। ठीक है, यहाँ पर और आगे देखते हैं इनका जो डायरेक्शन रेशियो और इसका रिलेशन ये रहेगा। देखो यहाँ पर जो डायरेक्शन रेशियो ए बी सी होता है डायरेक्शन ये है कोसाइंस एल, एल का क्या होता है ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। अगर एम रहेगा तो जैसे एल के लिए ए है एम के लिए बी है, एन होगा तो एन के लिए सी है, डिनोमिनेटर तो सेम ही है। देखो ये तीनों जो डायरेक्शन रेशियो तीनों को स्क्वायर करके प्लस करना है और रूट लेना है, तीनों का डिनोमिनेटर सेम, एल इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू बी एन इक्वल टू सी, डिनोमिनेटर सेम है। तो इस तरह से ये एक रेशियो मतलब इनका रिलेशन होता है। अभी यहाँ पर अगर समझो ए बी सी कोई तीन डायरेक्शन रेशियो है किसी वेक्टर की, ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है किसी वेक्टर के लिए, उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो है, तो उस वेक्टर को रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं, पी बार वो वेक्टर है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, इस तरह से कर सकते हैं। अगर समझो कि किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन पता है एल एम एन, तो उस वेक्टर को हम एल आई प्लस एम जे प्लस एन के कर सकते हैं, सीधा उससे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी दो लाइन होता है उसके बीच में एंगल क्या होता है, अगर डायरेक्शन रेशियो पता है दोनों लाइन का एल वन एम वन एन वन और एल टू एम टू एन टू, तो हम उसके बीच का कॉस थीटा कैसे लेते हैं, ये एल वन एल टू का मल्टीप्लाई एम वन एम टू का मल्टीप्लाई एन वन एन टू का मल्टीप्लाई, बाद में मॉड लेने का, पॉजिटिव वैल्यू निगेटिव आया तो भी प्लस करना। अगर मुझे डायरेक्शन रेशियो पता है ए टू बी टू सी टू और ए वन बी वन सी वन, तो मैं इनका जो डायरेक्शन रेशियो उसको मल्टीप्लाई करके सम लूंगा, फिर ये जो है ना ये ए वन बी वन सी वन इसका स्क्वायर करके प्लस करके रूट लूंगा, और ये जो है ए टू बी टू सी टू इसका भी, और ये हमने पीछे भी फॉर्मूला देखा था। तो बेटा इस तरह से ये खत्म हो रहा है। यहाँ पर कुछ शॉर्टकट है जो आपको याद रखना है, एकदम सीईटी के लिए शॉर्टकट से ये कि भाई जब भी एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर होगा तो वन होता है, एल एम एन मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा बीटा गामा ये तीनों का स्क्वायर वन होगा, अगर कभी आपको कॉस के बदले साइन दिया हो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, तो इसका आंसर टू होता है, शॉर्टकट याद करके रखो। कभी आपको ये अल्फा के बदले टू अल्फा दे दिया, टू अल्फा कॉस टू बीटा कॉस टू गामा, तो ये आंसर उस तरफ रहेगा तो इक्वल टू माइनस वन होता है, इस तरफ लिया तो प्लस वन हो गया। तो ये कुछ चीजें जो याद रखना, अगर एल एम एन है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन है देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल इनटू एम, मतलब क्या बोल रहा है कि अगर एल एम एन है यहाँ पर एल एम एन किसी लाइन के तीन डायरेक्शन रेशियो, तो देखो ये मैक्सिमम है ना वन अपॉन रूट थ्री होता है, अगर तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा वन अपॉन रूट थ्री तीन टाइम आएगा, तो वन अपॉन थ्री रूट थ्री होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल इंटू एम इंटू एन। ओके, यहाँ पर कुछ है कि कोई लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो निकालना है, अगर वो इक्वली इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, यानी एक्स वाई जेड के साथ इक्वल एंगल बना रहे हैं, तो उसका डायरेक्शन कोसाइन ये आता है, याद रखो प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री, तीनों का सेम आता है। ठीक है, ये आता है किसी कोई कितनी लाइन हो सकती है कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को इक्वली इंक्लाइंड हो, कितनी लाइन हो सकती है जो एक्स वाई जेड के साथ इक्वली इंक्लाइंड हो, तो ऐसी फोर लाइन हो सकती है। कुछ शॉर्टकट से जो आपको याद रखना है, यहाँ पर बेटा वेक्टर चैप्टर को हमने कर लिया कंप्लीट, वेक्टर चैप्टर को हमने कर लिया कंप्लीट। ओके यस, क्या बोलते पब्लिक, क्या बोलते, थोड़ा सा कुछ ले लिया जाए नींबू पानी।
Yes, yes, everyone. अगला जो चैप्टर है लाइन एंड प्लेन चैप्टर है. लाइन एंड प्लेन के अंदर यार थोड़ा सा ध्यान रखो, यहां पर भी जो एंगल्स बिटवीन प्लेन है वो डिलीट हो चुका है बच्चों. वेक्टर्स एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, यहां पर कोई भी लाइन है उसके दो टाइप के इक्वेशन होते हैं, एक होता है वेक्टर इक्वेशन, एक होता है कार्टेशियन इक्वेशन. डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, किसी भी लाइन का किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा, दो अगर स्क्यू लाइन से उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा. तो ये तो हमने पीछे भी फॉर्मूला देखा था, पैरेलल लाइन का, स्क्यू लाइंस का देखेंगे. प्लेन का इक्वेशन क्या होता है वो देखेंगे. प्लेन्स के बीच में जो भी एंगल होते हैं वो सब डिलीट है. ओके ओके, यस 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 बेटा, क्या बोलते हैं चैट में, तुमची नूनची न्यू एड. अच्छा चांगली वाटली. ओके, कोल्ड ड्रिंक से आपको और तकलीफ होगी. अभी क्या करे क्या करे भाई, अभी मुझे लग रहा है मैं कर लू आपके साथ लेक्चर करके सब कुछ रिवाइज हो रहा. हाँ होगा रिवाइज अर्जुन, यस. सबसे इजी तो यही है बोल रहे हैं. यस ब्रेक दिया सर 5 मिनट, झोप तो. अरे झोपू नको झोपू नको, पटापट पटापट देख लेते बेटा, देख लेते, जब तक होगा नहीं तब तक जाते नहीं अपन. कम से कम मैथ्स वन तो कंप्लीट होने दो बेटा, मैथ्स वन तो कंप्लीट होने दो, मैथ्स वन तो कंप्लीट होने दो. ठीक है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन. ओके भाई एक लड़का जो था ना, सच्ची बोल रहा हूँ, एक लड़का है ना वो बड़ा खुश हो गया था. एक लड़का जरा बड़ा खुश हो गया था क्योंकि उसकी पड़ोस में एक बहुत ही अच्छी लेडीज आई थी रहने, एक बहुत अच्छी लड़की सुंदर रहने आई थी, उसको देख के बड़ा खुश हो गया था, रोज उसे देखता रहता था पढ़ाई वगैरह छोड़ के. और वो रोज सोचता था मैं कैसे बात करूं, और वो बहुत पतला था. ओके एकदम तुम्हारे जैसा था. ओके तो वो रोज सोचता था मैं कैसे बात करूं. एक दिन उसने खुद ने ही इसको बुला लिया, आ जाओ इधर, घर पे बुला लिया. ये लड़का खुश हो गया, अपना बंडू खुश हो गया, बोला ठीक है, अरे वाह वाह वाह. उसको घर पे बिठाया, चाय नाश्ता दिया, बोले अरे वाह वाह अच्छा है. उसको बोला जरा अंदर के कमरे में जाओ, मैं अभी आती हूँ. बहुत खुश हो गया, अंदर के कमरे में चला गया. और वो एकदम कुछ अलग ही सपने पाल के रखा था. इतने में वो जो लड़की थी या औरत थी वो अपने छोटे बच्चे को लेकर आई और उसको दिखाया, बेटा देख दूध नहीं पिएगा तो मामा के जैसा पतला हो जाएगा, इसलिए तेरे को बोलती हूँ दूध रोज पिया कर. तो भाई ये बच्चा जो अपना बंड्या था उसका इतना बड़ा पोपट हो गया, वो कुछ और ही सोच रहा था, यहाँ मामा बन गया और पूरी इंसल्ट हो गई. तो बच्चे को दूध पिलाने के लिए क्या एग्जाम्पल दिया था मम्मी ने. तो भाइयों तुम लोग भी रोज दूध पिया करो, दूध पिया करो, नहीं तो पतले हो जाओगे. अरे मेरे बंडू, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ध्यान से सुन. देखो अभी कोई भी लाइन होती है बेटा उसके दो टाइप के इक्वेशन होते हैं. एक तो होता है वेक्टर इक्वेशन जो हमेशा आर बार के फॉर्म में होगा, और एक तो होता है कि कार्टेशियन इक्वेशन जो आर बार के फॉर्म में नहीं होता, जो कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में होता है, एक्स वन वाई वन जेड वन. देखो कैसे करेंगे, सबसे पहला है कि भाई कोई लाइन है पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर, कोई लाइन है. ओके भाई बहुत हंस रहे लोग, बहुत हंस रहे, यस बहुत हंस रहे, बहुत हंस रहे भाई. दूध वीध पिया करो और मोटे हो जाओ भाई, मैं तो यही बोलता हूँ, पढ़ाई करो, अपनी लाइफ बनाओ, बहुत कुछ मिलेगा, तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे. एक लड़के ने मुझे मैसेज किया था कल, सच बोल रहा हूँ, टेलीग्राम पे अपने एकलव्य बैच के, बोलता है सर उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया, मेरी एग्जाम है अभी 22 तारीख को, मैं क्या करूं. मैं बोला क्या करूं मतलब पढ़ाई कर, कंसंट्रेट नहीं हो रहा, उसको भुला नहीं पा रहा हूं मैं, वो मुझे छोड़ के चली गई. मैं बोला अरे पागल, तू अच्छे से पढ़ाई कर, अच्छा मार्क्स ला, अच्छा कुछ पोजीशन हासिल कर, उसके जैसी 1000 तेरे पीछे लाइन में आ जाएगी, बराबर है ना. तो भाई पूरा कंसंट्रेट करो, कोई तुम्हें छोड़ के चला गया तो मुझे मैसेज करके कुछ फायदा नहीं है, मैं क्या उसको बुलाने वाला नहीं हूं. तो देखो भाई इक्वेशन ऑफ अ लाइन, कोई लाइन है किसी एक पॉइंट से जा रहा है, एकदम ध्यान से देखो, कोई एक पॉइंट है किसी लाइन, कोई एक लाइन है किसी पॉइंट से जा रहा है एंड किसी एक दूसरे लाइन को पैरेलल है, पैरेलल है. इस ए का पोजीशन वेक्टर ए बार बेटा, इस ए का पोजीशन वेक्टर ए बार, और ये जो है ये बी बार है, एकदम ध्यान से देख, ये जो इसका वेक्टर बी बार. तो हम लोग क्या लेते हैं, ये जो इसका इक्वेशन होगा आर बार, ओके इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार. ये किसी भी लाइन का
वेक्टर इक्वेशन होता है बेटा। सोने वाले जाग जाओ, सोने वाले जाग जाओ। कोई सोचता है पढ़ाई क्यों करने का? भाई पढ़ाई करने के बहुत सारे रीजन होते हैं। मैं तो मेरे बच्चों को बताता हूँ, मैं क्या बताता हूँ, मेरे को ही मेरे एक बच्चे ने बता दिया। मैं उसको बोला तू पढ़ता क्यों नहीं है रे, पढ़ता क्यों नहीं है? बोला सर पढ़ाई दो ही चीज से होती है, एक तो शौक से एक तो खौफ से। मैं बोला बराबर है, या तो कोई मम्मी पापा के डर से पढ़ाई करता है, या अपने आप के डर से करता है, या किसी को पढ़ने का शौक रहता है। तुम लोग को पढ़ने का शौक है, तुम लोग शौक से पढ़ाई करते हैं, मुझे पता है। ओके, मुझे पता है कि तुम लोग शौक है, तुम लोग को इसलिए पढ़ रहे हैं, खौफ है, एग्जाम का खौफ है। मैं बोला अरे तू क्यों नहीं पढ़ता रे राजू? वो बोला सर पढ़ने का शौक हम रखते नहीं और डरते किसी के बाप से नहीं, डरते किसी के बाप से नहीं, पढ़ने का शौक रखते नहीं तो पढ़ाई कैसे करेंगे। बोला बरोबर है तेरा, तू मत पढ़, तेरा जो होगा वो होगा। सो भाई ऐसा कुछ मत करो, डर से ही पढ़ाई होती है, डर रखो। ये हमने कर दिया बेटा, ये हमने कर दिया किसी भी लाइन का पोजिशन वेक्टर आर बार ए बार प्लस लैम्डा बी बार। एकदम ध्यान से देखो, ये वेक्टर फॉर्म है। अभी इसी का अगर मैं बोलूं कार्टेशियन फॉर्म करने, तो क्या होता है, ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट का हम क्या करेंगे, एक्स वन वाई वन, एक्स वन वाई वन और जेड वन है सपोज। ये इस तरह से एक पॉइंट है, अरे यार एक पॉइंट है एक्स वन वाई वन जेड वन, ये जो है ठीक है। और समझो कि ये जो लाइन है इसका एक पॉइंट दिया है और इसका डायरेक्शन रेशियो या तो डायरेक्शन कोसाइन पता रहे, दोनों चलता है, एलएमएन या एबीसी दोनों अगर पता रहे तो कैसे करेंगे, तो ये करेंगे। देख बेटा x माइनस एक्स वन अपॉन एल, वाई माइनस वाई वन अपॉन एम, जेड माइनस जेड वन, या एलएमएन की जगह एबीसी भी कर सकते हैं। तो ये दो फॉर्म होते हैं, इसको याद रखना। ओके, पहला कि कोई पॉइंट से जा रहा है और किसी को पैरेलल है। अभी दूसरा कि कोई वेक्टर है वो दो पॉइंट से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स ए एंड बी, दो अलग अलग पॉइंट से पास हो रहा है। अभी ये दो पॉइंट से पास हो रहा है, सपोज ये ए का पोजीशन वेक्टर ए बार है, बी का बी बार है, तो जो आर बार आता है ना बेटा, ए बार प्लस लैम्डा, इस बी में से ए को माइनस करते हैं, बी बार माइनस ए बार। तो याद रखो ये वेक्टर फॉर्म हो गया, वेक्टर फॉर्म हो गया, वेक्टर इक्वेशन हो गया इस तरीके से। इसका ही कार्टेशियन करना है, तो कैसे करेंगे कार्टेशियन, ये जो ए है इसको समझना, एक्स वन वाई वन जेड वन है। ओके ओके, इस तरीके से जो b है वो x2 y2 z2 है बेटा, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे x2 माइनस x1। देख पहले ये x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 दोनों को, फिर y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1। तो ये आ गया, ये कार्टेशियन फॉर्म आ गया। ये दूसरा फॉर्म था कि अगर कोई लाइन है उसके ऊपर दो पॉइंट पता है तो उसका वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म आ गया इस तरीके से। चलो नेक्स्ट, अभी कोई एक पॉइंट है उसका डिस्टेंस क्या होगा किसी लाइन से, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, इसका भी वेक्टर फॉर्म होगा और कार्टेशियन फॉर्म होगा। अभी समझो कोई एक पॉइंट है, ये है पॉइंट, ये पॉइंट है P, इसका पोजीशन वेक्टर अल्फा बार है और यहां पर एक लाइन है, ये है आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार। अगर मुझे बोला इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस निकालो, तो वो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेना है, ये जो अल्फा बार है दैट अल्फा बार माइनस ए बार, ये करके उसका मैग्नीट्यूड लेके स्क्वायर स्क्वायर करना है। इसका जो डिफरेंस है, इसका जो डिफरेंस है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे, माइनस ये जो अल्फा माइनस ए किया था उसका बी बार के साथ डॉट लेना, अल्फा माइनस ए डॉट बी, और इस बी बार के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना और इसका स्क्वायर करना और स्क्वायर रूट लेना। तो इससे क्या होगा, किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से डिस्टेंस आता है। ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। अगर ये सेम कार्टेशियन फॉर्म में करना है तो क्या करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में समझो कि कोई पॉइंट है पी, ओके वही पॉइंट है, ए बी सी उसके कोऑर्डिनेट्स है, ए बी सी इस पॉइंट से, और ये लाइन है, इस लाइन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो क्या होगा देखो, हाँ अभी एक्स माइनस एक्स वन, मतलब एक्स वन क्या, ये जो पॉइंट है ना एक्स वन वाई वन जेड वन रहेगा, तो एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एल, ये इक्वेशन है समझो, ये इस लाइन का इक्वेशन है एक्स माइनस एक्स वन, ये तो इसका जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू है ना ए माइनस, ये देखो ये जो पॉइंट है ए माइनस एक्स वन द होल स्क्वायर, बी माइनस वाई वन द होल स्क्वायर, सी माइनस जेड वन द होल स्क्वायर, ये आ गया। ओके यहाँ पर यार ये गड़बड़ दे दिया एक मिनट, हाँ माइनस, इसके आगे ये माइनस है, जगह नहीं है इसलिए ऐसे लिख दिया। फिर ए माइनस एक्स वन इंटू एल, वापस से ये जो था ना ए माइनस एक्स वन उसका एल में मल्टीप्लाई, बी माइनस वाई वन, बी माइनस वाई वन इंटू एम,
सी माइनस जेड वन इंटू एन द होल स्क्वायर. ये है, ये रेयरली यूज होगा. ओके इसको वेक्टर फॉर्म में करके करो, नहीं समझ में आएगा तो. डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन. स्क्यू लाइन्स क्या होती है, कोई भी दो लाइन होती है ना तो वो पैरेलल होती है ना इंटरसेक्टिंग होती है. ओके ये अलग अलग प्लेन में होती है. इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस या शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है. शॉर्टेज डिस्टेंस तो कोई भी दो लाइन है अगर बेटा यहाँ पर कि आर बार इज इक्वल टू ए वन प्लस लेमडा बी वन एंड आर बार इज इक्वल टू ए टू प्लस लेमडा बी टू, ये दो लाइन है उसके बीच का डिस्टेंस निकालना है. तो कैसे करेंगे, इसका जो ये बी वन बार और बी टू बार होता है ना बेटा उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना. ओके और उसका ये जो ए टू और ए वन के डिफरेंस के साथ डॉट प्रोडक्ट करना और ये जो बी वन क्रॉस बी टू किया था उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना, पूरे का मॉड लेना, ये डी आ जाएगा. सेम अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तो क्या करेंगे, देखो ये दो वेक्टर दिया है, ये दो लाइन दी है, दो लाइन का वेक्टर फॉर्म दिया है इस तरीके से. ओके तो क्या करेंगे, तो ये डिस्टेंस कैसे आता है, पहले डिटर्मिनेंट लेते हैं. एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन. इसका ए वन बी वन सी वन डायरेक्शन रेशियो है, इसका ए टू बी टू, ये लिख दिया. फिर अपॉन रूट, ये देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन ऐसे आ जाएगा उसका स्क्वायर. फिर बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन उसका स्क्वायर. फिर ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट ले लिया. तो ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया स्क्यू लाइन्स का. ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, कोई भी दो पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है अगर समझो वेक्टर फॉर्म में यहाँ लाइन एंड प्लेन में, तो इसके दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे लेंगे, ये जो ए टू है और ए वन है इनको माइनस करना. फिर ये दोनों के अंदर पैरेलल लाइन है तो ये बी बार सेम रहेगा, उस बी बार के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना और इसी बी बार का मैग्नीट्यूड लेना इस तरीके से. ओके इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये भी होता है बी बार और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो बी का यूनिट वेक्टर आता है, यहाँ यूनिट वेक्टर कर दिया. ठीक है नेक्स्ट करते हैं. अभी प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, एकदम इंपॉर्टेंट है. देखो प्लेन का इक्वेशन, प्लेन बोले तो क्या होता है, ऐसा कोई तो एक प्लेन होता है बेटा, ये इस तरह से कोई एक प्लेन होता है. इस प्लेन के इक्वेशन के लिए हम लोग कोई एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, हमेशा एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट से इस प्लेन के ऊपर हमेशा एक नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करते हैं. वेक्टर फॉर्म के लिए हमेशा एक आर बार आता है और डॉट हमेशा इस एन बार को कंसीडर करेंगे. ओके तो इस तरीके से एक नॉर्मल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लेन के लिए, किसी पॉइंट से उसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर है नॉर्मल उसको कंसीडर करना, हमेशा याद रखना. अभी कोई भी इक्वेशन ऑफ प्लेन करना, प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, तो भाई दो होगा, एक वेक्टर फॉर्म में होगा एक कार्टेशियन फॉर्म होगा. वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू, यहां पर देखोगे अगर मैं बोल दूं कि ये एन बार है और ये पॉइंट है ना वो ये इसका पोजिशन वेक्टर, ये ए है इसका पोजिशन वेक्टर ए है, ए बार है, तो हम ऐसे लिखेंगे आर बार डॉट एन बार इक्वल टू ए बार डॉट एन बार. ये होता है किसी भी प्लेन का बेसिक इक्वेशन होता है, r बार डॉट n बार इक्वल टू a बार डॉट n बार, ये होता है वेक्टर फॉर्म में. समझ में आ रहा है, अभी इसको ही कार्टेशियन फॉर्म में करना है तो हम क्या करेंगे, सपोज यहां पर मैं लेता हूं कि r बार है xi प्लस yj प्लस zk. ओके n जो है नॉर्मल वेक्टर है ai प्लस bj प्लस ck अगर ऐसा है. ओके r बार और ये a बार है. ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं कि a बी सी जो इसके ए बी सी था एन बार का, तो एक्स माइनस एक्स वन, ये देखो ये आर है, एक पॉइंट ए कंसिडर किया, ये वाला जो पॉइंट था ना ये देखो ये पॉइंट है ना, ये एक्स वन वाई वन जेड वन है. ओके ये और ये एन बार में ए बी सी हमने ले लिया ए बी सी और ये आर कोई भी एक वेक्टर है. ओके तो एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन और उसको ए बी सी से मल्टीप्लाई किया डिफरेंस को, तो इक्वल टू जीरो आएगा. ये कार्टेशियन फॉर्म होता है किसी भी प्लेन का. अगर समझो ए बी सी के बदले एलिमेंट होता तो ए बी सी के बदले हम एलिमेंट भी ले सकते हैं, डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन ले सकते हैं. ठीक है चलो ये खत्म हो गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया खत्म. अभी एक लास्ट चैप्टर है मैथ्स वन का, लास्ट चैप्टर है मैथ्स वन का, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स. ओके पौने 11 हो चुके हैं, अब इसके अंदर देखो क्या क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा सा देखते हैं इसको खत्म करते हैं. बाई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स इन टू एलपी टू वेरिएबल्स, फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी डिलीट हो गया है, टर्मिनोलॉजी वगैरह भी करने की जरूरत नहीं है, सब सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड, यस यही है, स्पेशल केस भी नहीं है. तो एलपीपी के अंदर भी काफी कम चीजें जो हमें पढ़ना है, उसमें सिर्फ मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वाले क्वेश्चन ही आने वाले, कुछ ज्यादा है नहीं यहाँ पर. जैसे कि मैं बता दूं फिजिबल सॉल्यूशन कि भाई यहाँ पर तुम्हें इतना ही ध्यान रखना है
कि कोई इस तरीके से है, आपने एक्स और वाई एक्सिस कर दिया, कोई दो लाइन दी थी, एक लाइन ऐसे दी थी, फिर एक लाइन जो है समझो ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे आ रही है, तो हमें इसका ओरिजिन साइड नॉन ओरिजिन साइड चेक करना है, इसका ये फिजिबल सॉल्यूशन होता है। हमें क्वेश्चन पूछेगा कि कोई जेड दिया हुआ है 2x + 3y, बोलेगा कि इसको मैक्सिमाइज करो, तो आप क्या करोगे, जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, ये जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, इन कॉर्नर पॉइंट्स पर तीनों के पॉइंट निकालोगे, यहाँ पर वो पॉइंट को एक्स और वाई की वैल्यू रख के देखोगे कौन से पॉइंट पे वैल्यू कम आ रही है, वो मिनिमम वैल्यू रहेगा, ओके, वो मिनिमा पॉइंट और मिनिमम वैल्यू रहेगा जेड की वैल्यू, जिस पॉइंट पे सबसे ज्यादा वैल्यू है वो मैक्सिमा रहेगा, मैक्सिमम। बस यही एक कंसेप्ट है जो यहाँ पर हमें करना है, बाकी कुछ इसके अंदर नया नहीं है, ठीक है। कॉमन रीजन जैसे अब यहाँ पर ये है, ये ओपन है, फिजिबल सोल्यूशन, ये एक सोल्यूशन है, तो ये कॉर्नर पॉइंट कौन से आ गए इसके, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये, कोई इधर फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, तो इस पे चेक करने का कि वैल्यू क्या आ रही है, फिजिबल सोल्यूशन, ओके। अब ये अगर ऐसे आ गया तो ये कॉर्नर पॉइंट है, 2, 3, 4, ये तो आसानी से मिल जाएंगे, 0, 0 है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई, ये नहीं मिलेगा तो इन दोनों को सॉल्व कर देने का, ग्राफ में, ग्राफ पेपर पे तो नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है, इस तरीके से। तो बेटा यहां पर मैथ्स 2 जो है, मैथ्स 2 का पूरा फिनिश हो चुका है, यहां पर ये मैथ्स 2 यहां पर फिनिश हो चुका है, ओके, और अरे सॉरी मैथ्स 1 फिनिश हो चुका है, मैथ्स 2 बोल रहा हूँ, मैथ्स 1 फिनिश हो चुका है, ओके। अभी भी 2071 बच्चे, 2080 बच्चे देख रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा हो गया कि यार बहुत मतलब एग्जॉस्ट हो चुका हूँ सुबह से, मुझे अभी रात में नहीं रखना चाहिए था, तो अमित सर कल सुबह कुछ ऐसे यार 12 बजे ऐसा कुछ 12 बजे रख देते, ठीक है। सो बेटा कुछ ऐसा हो गया कि आज एकदम एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, तो हमने प्लान तो किया था कि 12-1 बजे रात तक करते हैं, लेकिन मैथ्स 1 हमने कर दिया, तो मतलब सिर्फ करना इसलिए नहीं करना ना, मतलब अच्छे से करना है, एंड हेडेक विडेक हो रहा है मुझे, तो मैं ऐसा करता हूँ, कल का दिन भी हमारे पास है, तो कल इसको कंटिन्यू करने के लिए मैं कल करता हूँ, जो मैथ्स 2 है और 11th का पूरा है, कल 12 बजे से मैं लूँगा, क्योंकि सुबह 9 बजे से बायोलॉजी के सर लेने वाले, शाम को 6-7 बजे से मुकेश सर लेंगे, कल एक मॉक टेस्ट भी देने का प्लान है, मैं देखता हूँ जैसा भी होगा, तो 2 सेशन अरेंज करूँगा, एक में फॉर्मूले 2-3 घंटे लेके ख़त्म कर दूंगा, और एक मॉक टेस्ट जो है उसके लिए अलग से करूँगा, ठीक है बच्चों, कंटिन्यू घ्या, काय मनता है, क्या बोल रहे हो बेटा, मतलब मैं बहुत एग्जॉस्ट हो चुका हूँ सुबह से, बहुत ज़्यादा लेक्चर लिए ना, तो अभी मतलब कि मुझे लग रहा है कि और फ्रेश माइंड से लेना चाहिए, तो यहाँ मैथ्स 1 हो गया रिवीजन, चलो भले मतलब 9 बजे से हम लोग कर रहे थे, 9, 10, 11 दो घंटे होने वाले हैं, यस, तो क्या लग रहा है तुम लोग को, कल ले लूँ 12 बजे, कल 12 बजे ले लूँ, ओके, कल करते, इसको ही मैं कंटिन्यू करूँगा, मेरा पूरी PPT है, ओके, और एक पेपर हम तैयार कर रहे हैं आपके लिए, उसका वीडियो सॉल्यूशन तैयार कर दूंगा, ओके, पेपर आपसे मैं मॉक टेस्ट भी दिलवाऊंगा, आपको पहले 1 घंटे का मैं टाइम दूंगा, उसको आप मैथ्स का पेपर देना 1-1.5 घंटे में, और उसके बाद उसका वीडियो सॉल्यूशन कल ट्राई करेंगे उसको भी, और ये भी कल करेंगे, ठीक है। चलो आप इतना देख रहे थे, 36,000 बच्चे इस लेक्चर में आए, सो थैंक्स एवरीवन फॉर कनेक्टिंग। यार मैं थोड़ा सा हेडेक ज़्यादा हो रहा है, मैं मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि करने का, सुबह से बहुत ज़्यादा लेक्चर हो गए, आवाज़ में भी फर्क आ गया एकदम, थोड़ा रेस्ट लेके कल संडे सुबह से मेरे कोई लेक्चर नहीं है, कल 12 बजे हम लोग स्टार्ट करेंगे, 12 से लगभग 3 बजे तक करेंगे, 3:30 बजे तक, और अच्छे से पूरा 11th ये वो, और इम्पोर्टेंट भी बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे और कौन से टॉपिक पे आएंगे, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते, कल 12 बजे मिलेंगे, इस लेक्चर को कल कंटिन्यू करेंगे, तो बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय 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 एवरीवन, गुड नाइट बेटा, बाय बाय बाय, गुड नाइट बेटा।